أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم کل کچھ چیزیں میں نے ذکر کر دی تھی عمہ پارے کے حوالے سے کچھ آج ذکر کر دیتا ہوں یہ جو سورہ انفطار ہے اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ اللہ بڑے عجیب انداز میں انسان کو جھنجھوڑنا چاہ رہے ہیں اللہ حضرت انسان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھتے نہیں اور اس دن کو یاد تو کرو جب آسمان پھٹ جائے گا ستارے جھڑ جائیں گے سمندروں کو آگ لگ جائے گی قبروں سے مردے نکل کھڑے ہوں گے ہر کوئی جان لے گا مرد بھی عورت بھی بچے بھی بوڑھے بھی امیر بھی غریب بھی دنیا میں کیا کر کے آیا تھا کیسے زندگی گزاری تھی کیسے جوانی کو گزارا کیسے بڑھاپے کو گزارا کیسے ایک بہو بن کے زندگی گزاری کیسے ایک ساس بن کے زندگی گزاری کیسے ایک ماں بن کے زندگی گزاری کیسے ایک خاوند بن کے باپ بن کے زندگی گزاری کیسے ایک دوست اور دشمن بن کے زندگی گزاری کیسے ایک پڑوسی بن کے زندگی گزاری تھی کیسے ایک تاجر بن کے زندگی گزاری تھی ہر کوئی جان لے گا کیا کیا کر کے آیا تھا اللہ تعالیٰ ساری موویاں چلائے گا پہلے یہ سمجھنا مشکل تھا پہلے یہ بات سمجھنا ذرا مشکل تھی
आज से 100 साल पहले कि अल्लाह ताला सारी चीज़ों को कैसे जाहिर करेंगे, अल्लाह दिलों के भेद कैसे जाहिर करेगा, अल्लाह हमारे वो आमाल जो हमने खुफिया किया कैसे जाहिर करेगा, अल्लाह हमारे करतूतों को कैसे दिखाएगा। आज ये समझना आसान हो गया, अल्लाह ताला ने इंसान के लिए कैमरा ईजाद करवाया, मेमोरी कार्ड बनवाए कि एक एक मेमोरी कार्ड में इंसान की सारी ज़िंदगी जब महफूज की जा सकती है, 24 घंटे उसके संभाले जा सकते हैं, सारी ज़िंदगी एक इंसान की महफूज की जा सकती है, तो अल्लाह जो कुल कायनात का बादशाह है, जो सब ताकतवरों से ज़्यादा ताकतवर है, तो वो अल्लाह कैसे इंसान की सारी चीज़ें नहीं दिखा सकता। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या करोगे तुम, लोग अपने अपने कामों में लगे होंगे और जब सूर फूंका जाएगा तो आसमान भी टूट जाएगा, ज़मीन भी फट जाएगी, अल्लाह सूरज सितारों को गिरा के समंदरों में गिराएगा, अल्लाह उनको आग लगा देंगे, अल्लाह सबको आग लगा देगा। तो अल्लाह कह रहे हैं यहाँ इंसान को, फिर अल्लाह झंझोड़ रहे हैं, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, जैसे कि माँ अपने बच्चे से कहती है ना, ओए मेरे बच्चे तुझे क्या हो गया है, तड़प के कहती है। तो अल्लाह ताला को तो तड़पने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमें समझाने के लिए वो अंदाज़ अपनाया, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, ए मेरे बंदे, ए इंसान, तुझे किस चीज़ ने तेरे करीम रब से धोखे में डाल दिया, क्यों धोखे में पड़ गया, दुनिया की चीज़ों ने, तुम्हारे ताल्लुकात ने, तुम्हारी औलाद ने, तुम्हारे कारोबार ने, किस चीज़ ने धोखे में डाल दिया। अल्लज़ी खलक़का, हालांकि पैदा करने वाला मैं हूँ, तेरा नामो निशान नहीं था, तुझे पैदा मैंने किया, फसव्वाका, बड़े एतदाल के साथ पैदा किया, फ़अदलका, बड़ी खूबसूरत अंदाज में पैदा किया, ऐसे नहीं किया कि तेरी एक आंख आगे लगाता एक आंख पीछे लगा देता तो कितना भद्दा लगता, ऐसे नहीं किया कि तेरी नाक पीछे को लगा देता गुद्दी की तरफ तो कितना भद्दा लगता, मैंने तुझे कितना खूबसूरत बनाया, 2 आंखें तेरी सामने लगाए, सूंघने के लिए तुझे मैंने नाक दी, सुनने के लिए कान दिए, ऐसा नहीं किया कि एक कान में तुम्हारे मुंह पे लगा देता एक कान गुद्दी पे लगा देता तो कितना भद्दा बदसूरत लगता, मैंने तुझे बड़ी एतदाल के साथ बनाया है, बड़ी हुस्नकारी के साथ बनाया है, हर उज्व को उसकी बेहतरीन जगह पे रखा है, 5 उंगलियों को बड़े तनासुब के साथ बनाया है, एक उंगली भी ज़रा अपने जायचे से बाहर निकल जाए कितनी भद्दी मालूम होती है, इंसान कितना बदसूरत लगता है। अल्लाह कह रहे हैं फहद फसवाक फी अई सूरत माशा अरकबक, फिर जैसे मैंने चाहा मैंने तुझे बनाया, काला बनाना चाहा काला बना दिया, गोरा बनाना चाहा गोरा बना दिया, जिस जुबान के अंदर पैदा करना चाहा उस जुबान वाला बनाया, ये मेरी चाहत है, इसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं है। माँ बाप तो अपने लिए पता नहीं कैसे कैसी औलाद मांगते हैं, अल्लाह कह रहे हैं फी अई सूरत माशा अरकबक, जिस मर्जी सूरत में जहाँ मर्जी चाहूँगा मैं पैदा करूँगा, इसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं है, कोई अमल दखल नहीं है। तो अल्लाह ताला इंसान से शिकवा कर रहे हैं, मेरे बंदो मैंने तुझे कैसा बनाया, बनाया मैंने, अब मुझे छोड़ के तू कहाँ का रुख कर रहा है, मुझे छोड़ के कहाँ जाना चाहता है। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता या अगर जगह यहाँ फिल हो गई ना कोई मसला, तो ऊपर चले जाएँ, आप ऊपर चले जाएँ, अगर यहाँ जगह नहीं है ऊपर कमरे में चले जाएँ, वहाँ बैठने की जगह मौजूद है और वहाँ भी इंशाल्लाह आवाज़ पहुँच जाएगी। अगर यहाँ जगह नहीं बनती, कोशिश तो करें कि यहीं इस तरह बैठें कि जगह बन जाए। हमने पिछले दिनों ही तो पढ़ा था कि ईमान वालों की अलामत यह है कि वो जगह दे दिया करते हैं, इज़ा क़ील लकुम तफस्सहु फिल मजालिसी फफस्सहु, वो जगह छोड़ दिया करते हैं। तो अगर जगह फिल हो जाती इस तरह से अंदर तरतीब बना के बैठें कि सारे आ सकें, जगह अगर भर जाती है तो ऊपर चले जाएं, वहाँ कमरे में इंशाल्लाह जगह होगी, अल्लाह ने चाहा तो आवाज़ भी आ जाएगी। तो अल्लाह ताला इंसान से इस सूरत में शिकवा कर रहे हैं, शिकवा कि तुझे किस चीज़ ने धोखे में डाल दिया। उलमा ने इस आयत के ज़ैल में एक वाक्य लिखा है कि अल्लाह ताला कहाँ कहाँ इंसान की हिफाजत करता है और इंसान किस किस तरह अल्लाह की नाशुक्रिया करता है। एक बुज़ुर्ग दरिया किनारे सैर कर रहे थे, सैर करते करते क्या देखते हैं, एक बिच्छू
वो दौड़ता हुआ आ रहा है और बिच्छू जब दौड़ता हुआ आ रहा है तो बड़े हैरान हुए कि इतनी तेज़ी के साथ कहाँ। बिच्छू दरिया किनारे पहुँचा, दरिया किनारे पहुँचने के बाद दरिया के किनारे एक कछुआ आया हुआ था। तो कछुआ जब वहाँ आया है, दरिया किनारे जब वो आया है तो कछुआ भी वहाँ पे आया। बिच्छू ने कछुए की पुश्त के ऊपर सवारी की और दरिया की तरफ चल पड़ा। अब ये बुज़ुर्गों को बात खटकी कि क्या माजरा है कि ये बिच्छू कछुए की पुश्त के ऊपर बैठ के दरिया के दूसरे पार जाना चाहता है। तो इन्होंने भी उसके पीछे कश्ती लेकर दौड़ लगा दी। मेरे ख्याल से ठीक, इन्होंने भी दौड़ लगा दी, उसके पीछे कश्ती ली और चल पड़े। अब बिच्छू जब दूसरी तरफ उतरा है, दूसरी तरफ उतरते उसने जंगल में दौड़ लगा दी। अब ये बुज़ुर्ग उनके पीछे 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 जंगल में जाके क्या देखते हैं कि एक आदमी दरख्त के नीचे सोया हुआ है और ऊपर से एक सांप नीचे की तरफ आके उस सोए हुए आदमी को डसना चाहता है। तो ये बिच्छू भी वहाँ पहुँचा और बिच्छू ने जाके जल्दी से सांप को डसा। सांप उसके जहर की वजह से मरा और ज़मीन पर जब वो तड़प के पत्तों की फड़फड़ाहट महसूस हुई तो वो सोने वाला भी जाग गया। अब सोने वाले को कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हुआ है। तो सोने वाले ने ये किया कि जल्दी से उठ के बिच्छू को मारना चाहा। जब बिच्छू को मारना चाहा तो उन बुज़ुर्गों ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे अल्लाह के बंदे, तू तो गफलत की नींद में सोया हुआ था, तुझे नहीं पता था कि आज तेरी ज़िंदगी की शाम हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला जो कि हफीज़ हैं, हर जगह पे इंसानों की हिफाजत करता है, अल्लाह ताला ने तुझे बचाने के लिए कहाँ से बिच्छू को भेजा जिसने तेरे दुश्मन सांप को हलाक कर दिया। तो अल्लाह ऐसे हफीज़ हैं, हर जगह इंसान की हिफाजत करता है। अल्लाह फिर शिकवा भी कर रहे हैं, जब हफीज़ मैं हूँ तो मुझे छोड़ के कहाँ जाते हो, जब करीम मैं हूँ तो मुझे छोड़ के कहाँ जाते हो, जब रिज़्क़ के ख़जाने मेरे पास हैं तो मैं खिलाता पिलाता सुलाता जगाता मैं हूँ, मुझे छोड़ के कहाँ जाते हो, किसकी तरफ दौड़ लगाते हो। मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम, तुझे तेरे करीम रब से किस चीज़ ने गाफिल कर दिया, क्यों गफलत में पड़ा हुआ है। अहादीस मुबारक में आता है, जब इंसान एक गुनाह करता है ना, एक गुनाह, कोई कबीरा गुनाह, एक गुनाह करता है तो अल्लाह की मखलूक आके अल्लाह से कहती है, हवाएं आती हैं, हवाएं कहती हैं, अल्लाह ये तेरा नाफरमान बंदा है, हमें हुक्म दें, हम इनको उठाकर जंगलों में गिरा दें। और फिर ज़मीन कहती है, या अल्लाह हमें हुक्म दे, हम फट जाएं और इनको अपने अंदर समा लें। और आसमान कहता है, या अल्लाह हमें हुक्म दे, हम बारिश बरसा के इनको गर्क करके रख दें। समुंदर कहते हैं, या अल्लाह हमें हुक्म दे, ये तेरा नाफरमान बंदा है, हम इन पर चढ़ दौड़ें। और ये जंगल के दरिंदे आके कहते हैं, या अल्लाह हमें हुक्म दे, हम शहरों में जाके इनको चीर फाड़ करके रख दें। अल्लाह कहते हैं, इनकाना अबुदुकुम फशानुकुम, अगर ये तुम्हारे बंदे हैं तो इनके साथ जो चाहे मर्जी करना है कर लो, पकड़ लो। इनकाना अबदी फशानी, और अगर ये मेरे बंदे हैं और ये मेरे ही बंदे हैं, मैंने इन्हें पैदा किया है, मैं ही इनका बनाने वाला हूँ, तो मैं अपने बंदों की तौबा के इंतज़ार में हूँ। ये जब भी मेरे पास आएंगे, ये दिन में आएँ या रात में आएँ, ये दोपहर में आएँ या शाम में आएँ, जब भी आकर ये तौबा करेंगे मैं इनके सारे ही गुनाहों को माफ़ फरमा दूँगा। अल्लाह तो इंतज़ार में, अल्लाह तो इंतज़ार में, हर मखलूक आकर हमारे गुनाहों की वजह से हमें तबाह करने को तैयार है, लेकिन अल्लाह की ज़ात हफीज़ है, वो हमारी हिफाजत करता है, वो हमारी हिफाजत करता है। अहदीस मुबारक में हदीस कुदसी अल्लाह कहते हैं, यबन आदम इन्नी लकुम मुहिब्बुन फबी हक़्क़ी अलैका कुल्ली मुहिब्बा, ए आदम की औलाद, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मेरे हक का वास्ता तू भी तो मुझसे मोहब्बत कर, तू भी तो मुझसे मोहब्बत कर। तो अल्लाह ताला इंसान को वास्ता दे रहे हैं, अल्लाह ताला इंसान को अपनी मोहब्बत बढ़ाने का वास्ता दे रहे हैं, अल्लाह ताला वास्ता दे रहे हैं इंसान को। तो अल्लाह ताला शिकवे शिकायत भी कर रहे हैं, वास्ता भी दे रहे हैं कि मेरे बंदे, मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ और तुम मेरे लिए क्या करते हो।
फिर आगे चल के जो सूरह आदियात आएगी, अल्लाह ताला ने यहाँ भी शिकवा की। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वल आदियात ज़बहा फल मुरियात कदहा फल मुगीरात सुबहा فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد। अल्लाह मिसाल दे के समझा रहे हैं, मेरे बंदो एक तुमसे तो अच्छा घोड़ा रह गया। ये अल्लाह कह रहे हैं कि तुम इंसान हो, एक घोड़ा तुमसे अच्छा है घोड़ा। ये अल्लाह वो कैसे, अल्लाह ने कहा एक आदमी घोड़े का बच्चा लेके पालता है, उसको चारा खिलाता है, दाना खिलाता है, उसको परवान चढ़ा के जवान बना देता है, फिर क्या होता है उस जवान घोड़े की पीठ पर सवार होकर उसका मालिक कहता है, चल भाई मैंने तुझे खिलाया पिलाया है, अब तुझे मैदान जिहाद में लेके जाने का वक्त आ गया, अब तुझ पर सवारी करने का वक्त आ गया, चल मुझे बिठा के लेकर चल, मेरा नमक हलाल कर, जो मैंने तुझे खिलाया पिलाया उसका हक अदा कर। और घोड़े की खूबी क्या है, अपने मालिक को लेकर मैदान जिहाद में जब जाता है, सवारी में जाता है, उसके लिए सवारी बनता है, तो घोड़े पर दाएं से भी तीर बरसते हैं, बाएं से भी तीर बरसते हैं, आगे भी से भी तीर बरसते हैं, तलवारें भी उसके ऊपर गिरती हैं, लेकिन घोड़ा पीठ दिखा के पीछे नहीं भागता। ये अपने मालिक को कह रहा होता अपने अमल से, ए मेरे मालिक तूने मुझे खिलाया पिलाया है, पाल पोस के जवान किया, बड़ा किया, आज तुझे ज़रूरत पेश आई है, आज तू मेरी पीठ पर सवार है, मैं नमक हरामी नहीं करूँगा, मैंने तेरा नमक खाया उसको हलाल करूँगा, मर तो सकता हूँ, अपनी जान तो मैदान जिहाद में दे सकता हूँ, लेकिन अपनी पीठ नहीं दिखा सकता। घोड़े की खूबी है पीठ नहीं दिखाता, भागता नहीं है, मालिक ने जिस काम पे लगा दिया वो करके छोड़ता है। तो अल्लाह कह रहे हैं मेरे बंदे तू था कोई नहीं, जब तू पैदा हुआ मैंने तेरे माँ बाप के दिल में तेरी मोहब्बत डाल दी, वही आवारा बाप जो कुछ काम करने को तैयार नहीं था, जब तू पैदा हुआ वो कमाने लगा, वो घर में रिस्क लेके आने लगा, मैंने उसको जिम्मेदार बना दिया, वो लड़की जिसको मैंने माँ बनाया, माँ बनने से पहले उससे गंदगी गलाजत से नफरत थी, उससे गंदगी से घिन आती थी, लेकिन मैंने उसके दिल में तेरी मोहब्बत डाल दी, वो तेरी पोटियाँ भी साफ़ करती है, तेरा पेशाब पैखाना भी साफ़ करती है। वही बच्ची माँ बनने से पहले वो एक घंटा जागना गवारा नहीं करती, अब तेरी मोहब्बत मैंने उसके दिल में डाल दी, वो रातों को जागती है, सारी सारी रात जाग के तेरा ख्याल करती है, तेरे सोने पर सोती है, तेरे जागने पर जाग जाती है। वो बच्ची जो बेपरवाह थी, जिसे किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी, जब तुझे मैंने उसकी गोद में ला कर डाला तो वही बच्ची इतनी जिम्मेदार बन गई, दिन में 10 दफ़ा फीडर बना के तुझे देती है, दिन में 10 दफ़ा तुझे वो खेलते खिलाते थकती नहीं है, अपने माँ बाप को एक पानी का गलास नहीं देती थी, तुझे 5-5, 10-10 दफ़ा दिन में फीडर बना के देती है, सारा दिन तुझे गोद में लिए लिए फिरती है। ए मेरे बंदे मैंने उस माँ के दिल में तेरी मोहब्बत डाल दी, फिर जब तू बड़ा हुआ, तू बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद मैंने तेरे बाप और माँ के दिल में तेरी मोहब्बत डाल दी कि तेरा ख्याल करें, वो तेरा लिहाज करें, वो तेरा पास करें, तेरे स्कूल का बंदोबस्त करें, तुझे फिर और बड़ा हो के तेरे निकाह का बंदोबस्त करें, तेरे घर का बंदोबस्त करें, तेरी रिहाइश का बंदोबस्त करें। ए मेरे बंदे जब फिर तुझ पर जवानी आई और तुझे मैंने अपनी तरफ बुलाया कि अब तू बड़ा हो गया, मुझे भी आके सजदा कर, मेरे भी सजदा हुजूर हो, मेरे दर पे भी पेश हो, मेरे सामने आकर भी अपनी राज़ो नियाज को पेश कर, अब मेरी भी तो मान, इबादात जो मैंने बताई वो भी तो कर, जो मामलात मैंने जिस नहज पे करने को कहा है वो भी तो कर। लेकिन तूने क्या किया, तूने जवानी के गुरूर और नशे में आकर मेरी नाफरमानियाँ शुरू कर दी, तूने बगावतें शुरू कर दी, मैंने तुझे माल किया दिया तू तकब्बुर में आ गया, मैंने तुझे सेहत किया दी तू बिगड़ ही गया, मैंने तुझे जवानी किया दी तू इतरा ही गया, मैंने तुझे ओहदा किया दिया तू तकब्बुर गुरूर के अंदर आ गया। तो एक घोड़ा तुझसे ज़्यादा अच्छा है जो अपने मालिक का वफादार है, अपने मालिक के लिए कुर्बान तो हो जाता है, पीछे नहीं हटता, और तू जैसे जैसे बड़ा होता है मेरा बागी बनता चला जाता है। तो अल्लाह शिकवे शिकायतें कर रहे हैं, अल्लाह शिकवे, तो मैं भी गौर करूं, आप भी गौर करें कि अल्लाह के शिकवे शिकायतें हमारे लिए कैसे हैं।
तो अल्लाह कह रहे हैं बड़े लाड और प्यार से, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए मेरे बंदे किस चीज़ ने तुझे तेरे रब से गाफिल कर दिया। देखें, एक होती है ना माँ बाप की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, चीज़ों की मोहब्बत, और एक अल्लाह की मोहब्बत। आप देखें सबसे ज़्यादा अल्लाह की मोहब्बत है। माँ भी तंग आए ना औलाद से, आजकल माएँ भी धक्के दे के निकाल देती हैं। बाप तंग आए औलाद से, बाप भी धक्के दे के निकाल देता है, आग कर देता है। बाप वसीयत करके जाता है कि मेरा ये बेटा मेरे जनाजे में भी ना आए। मैंने खुद ऐसे बाप अब रोज़ाना कहीं, अल्लाह माफ़ फरमाए, बाप आग करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों को कभी आग नहीं करता, अल्लाह कभी भी आग नहीं करता, हर वक्त तौबा के इंतज़ार में है। हम आँखों के गुनाह भी करते हैं, अल्लाह हमारी आँखें नहीं निकालता। हम हाथों के गुनाह भी करते हैं, अल्लाह हमारे हाथ नहीं तोड़ता। हम पाँव के गुनाह भी करते हैं, अल्लाह हमारे पाँव नहीं काटता। हम दिल दिमाग के गुनाह भी करते हैं, अल्लाह हमारा दिल दिमाग पे फालिज नहीं गिराता। हम ज़ुबान के गुनाह भी करते हैं, अल्लाह हमारी ज़ुबान नहीं निकालता। सारे गुनाह करते हैं, अल्लाह हमारी तौबा के इंतज़ार में। हर कोई छोड़ देता है, हर कोई छोड़, अल्लाह नहीं छोड़ता, अल्लाह नहीं छोड़ता बंदे को, अल्लाह नहीं छोड़ता। तो हम भी तो अल्लाह को ना छोड़े ना, हम भी तो अल्लाह के फजल व करम की कदरदानी का लिहाज रखें, हम भी तो पास करें ना कुछ। अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है, रिवायात में आता है हज़रत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम के ज़माने में अल्लाह ताला ने इंसानों के गुनाहों की वजह से बारिश रोक ली। मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम अपनी कौम वालों को लेकर दरिया के किनारे गए, अल्लाह से दुआ मांगी, वही आए कि मूसा इस मजमे में एक ऐसा नाफरमान बंदा है जिसने 40 साल से मुझे कभी राज़ी नहीं किया, 40 साल से नाराज़ करता आ रहा है, जब तक ये मजमा में है मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। कितने गुनाह होंगे उस आदमी के कि अल्लाह ताला ने कलीमुल्ला की दुआ भी रोक ली, हज़रत मूसा की दुआ भी रोक ली, कितने गुनाह होंगे, कितने गुनाह होंगे। हज़रत मूसा ने ऐलान किया कि भाई इस मजमे में एक ऐसा ऐसा बंदा है, जब तक वो मजमा में मौजूद है अल्लाह बारिश नहीं बरसाएंगे, वो मजमा से चला जाए, निकल जाए। अब आदमी समझ गया जो गुनहगार था, उसने दिल दिल में दुआ की, कहने लगा अल्लाह से, इन खरज तो फफा वाह तो नफसी, अगर मैं अब निकलूँगा अपने आप को जलील कर बैठूँगा, सारे लोग पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे, अच्छा ये वो बदबخت है, ये वो मनहूस था हमारे बीच में कि जिसकी वजह से बारिशें रुक गई। अब वो ये ख्यालात सोच रहे कि मेरी तो बेइज्जती होगी, मैं जलील हो जाऊँगा। उस वक़्त उस आदमी ने दुआ की, क्या दुआ की, कहने लगा अल्लाहुम्मा इन्नी असैतुका 40 सनतन फअमहलतनी जीतुका ताइबन फ़क़बिलनी। ना उसने हाथ उठाए, ना उसने अल्फाज कहे, दिल दिल में कहने लगा ये चार अल्फाज, अल्लाहुम्मा इन्नी असैतुका 40 सनतन फअमहलतनी जीतुका ताइबन फ़क़बिलनी, या अल्लाह मैंने 40 साल तेरी नाफरमानी की, तू मुझे ढील देता रहा, तू मुझे मोहलत देता रहा, या अल्लाह आज भी मुझे माफ़ फरमा दे, आज भी मुझे मोहलत दे दे, अगर मैं मजमा से निकलता हूँ रुसवा हो जाऊँगा, लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, या अल्लाह मुझे रुसवाई से बचा ले। चार सेकंड की दुआ की, आसमान से छम छम बारिश बरसना शुरू हो गई, बारिश बरसी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह मजमा से निकला तो कोई भी नहीं है, बारिश कैसे हो गई। अल्लाह ताला ने कहा कि जिसकी वजह से रोकी थी उसी की वजह से दे दी, उसने तौबा कर ली, जिसकी वजह से रोकी थी उसी की वजह से दे दी। हज़रत मूसा ने क्या, अल्लाह उसका नाम तो बता, क्या नाम है, क्या नाम है। वही आई कि वाह, जब मेरा नाफरमान बंदा था तब तो मैंने बताया नहीं, अब तौबा करके मेरा फरमाबरदार बन चुका है, अब मैं उसको कैसे रुसवा कर दूँ, अब मैं उसके पर्दे को कैसे जाहिर कर दूँ। तो अल्लाह इतने करीम हैं, इतने मेहरबान हैं, इतने मेहरबान हैं। तो हमें भी अल्लाह से चुपके चुपके अपनी बातें शेयर करनी चाहिए, राजो नियाज करना चाहिए। हम घर में हों, दुकान पे हों, जहाँ भी हों, अल्लाह से अपनी चीज़ों को जिक्र करने की आदत बना लें। सहाबा फरमाते हैं हमें एक तस्मे की ज़रूरत पड़ती थी ना, अल्लाह से जिक्र करते थे।
अल्लाह हमारे सबसे गहरे दोस्त है, अल्लाह हमारे सबसे ज़्यादा करीब थे। जिस बात को ज़िक्र करना होता चुपके चुपके अल्लाह से ज़िक्र किया करते थे, या अल्लाह मेरे साथ लोग ये कर रहे हैं, या अल्लाह मेरे साथ ये मामला पेश आ गया, या अल्लाह मेरी ये परेशानी मजबूरी है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ अल्लाह से अपने दुखड़े सुनाना, ज़िक्र करना शुरू कर दें, फिर देखें अल्लाह कैसे सुकून अता करता है, अल्लाह दिल को सुकून से भर देगा। बहरहाल बात बढ़ गई तो एक तो मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला हमें सूरह इन्फितार में ये पैगाम दे रहे हैं, मेरे बंदो कहाँ जा रहे हो, मुझे छोड़ कर किसका रुख करते हो, एक तो यहाँ ये पैगाम है। फिर आगे चलकर अल्लाह ताला वद्दुहा जो है सूरत अद्दुहा, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ये भी अल्लाह ताला ने अजब अंदाज में उतारी है, अजब अंदाज में उतारी है। इसके दो शान नज़ूल हैं, दो शान नज़ूल हैं। एक तो ये है कि आप अलैहिस्सलाम पर एक दफ़ा जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आकर कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने जहन्नम के 7 तबके बनाए हैं, जहन्नम की 7 मंजिलें हैं, सबसे निचले तबके में मुनाफिकीन को डाला जाएगा। अच्छा पहले से पहले मैं एक चीज़, 3 दिन आप अलैहिस्सलाम पर ऐसे गुजरे कि आप अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ लाते, नमाज पढ़ा के चले जाते, मस्जिद में तशरीफ़ लाते, नमाज पढ़ा के चले जाते, ना सहाबा से गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ना सहाबा से मुलाकात कर रहे हैं, और ना ही सहाबे में बयान कर रहे हैं। अब सहाबा के तो शब रोज़ वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते सुनते गुजरा करते थे, बड़े बेचैन हुए, बड़े बेकरार हुए कि हमारे नबी को क्या हो गया, ना खाते हैं ना पीते हैं ना बात करते हैं, क्या हुआ? तो सब ने अबू बकर सिद्दीक से कहा कि आप जाकर पता तो करें कि आप अलैहिस्सलाम को क्या हो गया। अबू बकर सिद्दीक आए, अंदर आने की इजाज़त चाहिए, आप अलैहिस्सलाम ने इजाज़त नहीं दी। हज़रत उमर आए, अंदर आने की इजाज़त चाहिए, आप अलैहिस्सलाम ने इजाज़त नहीं दी। सलेमान फ़ारसी आए, अंदर आने की इजाज़त चाहिए, आप अलैहिस्सलाम ने इजाज़त नहीं दी। अब सहाबा रो रहे हैं, परेशान हैं और कह रहे हैं कि क्या हो गया कि आप अलैहिस्सलाम ना खाते हैं ना पीते हैं ना हमसे मुलाकात करते हैं, क्या हो गया है? तो सब ने हज़रत अली से कहा कि आप जाएँ, आप अलैहिस्सलाम से मालूम करें कि आप अलैहिस्सलाम हम में क्यों नहीं बैठ रहे, खाना पीना क्यों नहीं हो रहा। तो हज़रत अली ने पूछा क्या पहले हुजूर के पास कोई गया है? सहाबा ने कहा कि हाँ, उमर भी गए हैं, अबू बकर भी गए हैं, सलमान फारसी भी गए हैं, उन्हें इजाज़त नहीं मिली। तो हज़रत अली ने कहा फिर मुझे भी नहीं मिलेगी, हाँ मेरे पास एक ऐसी शख्सियत है कि जिनको ज़रूर मिलेगी। घर गए, फ़ातिमा से कहा कि फ़ातिमा जाओ अब्बा जान के पास जाके पूछो क्या हो गया है कि 3 दिन से ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं ना गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या हो गया है? तो हज़रत फ़ातिमा गईं, अब्बा जान से इजाज़त चाहिए, आप अलैहिस्सलाम ने बेटी को गले लगाया और रोने लगे हैं। हज़रत फ़ातिमा पूछ रही हैं कि अब्बा जान मैं आप पर कुर्बान, क्या हो गया है? 3 दिनों से आप ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं ना ही सहाबा से गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या हो गया है? उस वक़्त मेरे नबी ने फरमाया फ़ातिमा मेरी बेटी, मेरे पास जिब्राइल आए थे और आकर कह कर गए थे अल्लाह ताला ने जहन्नम की 7 मंजिलें बनाई हैं, सबसे निचले तबके में मुनाफिकीन को डाला जाएगा, उससे ऊपर के तबके में मुशरिकीन को डाला जाएगा, फिर 5वें तबके में सूरज के पुजारियों को डाला जाएगा, 4थे तबके में चाँद और सितारों की पूजा करने वालों को डाला जाएगा, 3रे तबके में यहूदियों को डाला जाएगा, दूसरे तबके में ईसाइयों को डाला जाएगा। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, या रसूलल्लाह फिर क्या होगा? उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने रोते हुए कहा कि फ़ातिमा मेरी बेटी, फिर जिब्रील ने मुझे कहा कि जो सबसे ऊपर का तबका है जिसका नाम जहन्नम है, उसमें मेरी उम्मत के गुनहगारों को डाला जाएगा। फ़ातिमा ये चीज़ मुझे चैन नहीं लेने दे रही,
यह कहना था, फिर आप अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। इतनी देर में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आकर ये सूरत वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा। ऐ मेरे नबी, परेशान ना हो, आपका रब आपको नाराज़ नहीं करेगा। जितने पर आप राज़ी होंगे आपका रब आपको उतना अता करके छोड़ेगा। आप परेशान ना हो, आपका रब आपको राज़ी करके छोड़ेगा, आपका रब आपको राज़ी करके छोड़ेगा। तो ये वजह है कि अल्लाह ताला आप अलैहिस्सलाम के तुफ़ैल, आप अलैहिस्सलाम की बरकत से उम्मत की सिफारिश कबूल फरमाएंगे और आप अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला कई लोगों को जहन्नम से छुटकारा अता फरमाएंगे। तो ये शफीक नबी हैं। और एक इसका शान नज़ूल की रिवायत ये आती है कि कई दिन तक आप अलैहिस्सलाम पर वही नहीं उतरी। जब कई दिन तक वही नहीं उतरी तो आप अलैहिस्सलाम से लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अवद्दअका रब्बुका वक़ला, क्या आपके रब ने आपको छोड़ दिया है? आपका रब कहाँ चला गया, आपको छोड़ दिया है? अच्छा, सहाबा की बात और मुनाफिकीन की बात का तो आप अलैहिस्सलाम ने कोई असर नहीं लिया, लेकिन हज़रत खदीजा ने भी कह दिया। जब अपने कोई बात कहे ना, इंसान ज़्यादा दुखी होता है। अपने कोई ताना दे दें, इंसान ज़्यादा दुख महसूस करता है। हज़रत खदीजा ने भी कह दिया, कहीं अल्लाह ताला ने छोड़ तो नहीं दिया। बस ये कहना था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम दौड़ते दौड़ते और दौड़ कर ये सूरत लेकर आए, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ए काले जुल्फ़ वाले, चांद के मुखड़े वाले, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं है। आपका रब आपको कैसे छोड़ सकता है? वो तो आपको राज़ी करके रहेगा, वो तो आपको राज़ी करके रहेगा। तो सूरत अद्दुहा में अल्लाह ताला ने ये बताया। फिर आगे चल कर वत्तीन वज़ैतूनी है, वतूर सीनिन वहाज़ा बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तकवीन। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने इंसान को सबसे ज़्यादा हसीन मखलूक बनाया है। जितनी भी मैंने मखलूक बनाई है सबसे ज़्यादा हसीन मखलूक ही है। खलीफा मंसूर था अबू जाफ़र के ज़माने में बनू उमैया का खलीफा मंसूर। इसने अपनी बीवी को, चांदनी रात थी, अपनी बीवी के साथ महल की छत पे था, तो चांद को देखते अपनी अहलिया को देखता है, तो उसने कह दिया, अगर तू चांद से ज़्यादा हसीन ना हुई तो तुझे तीन तलाक़ें हैं। अब जब उलमा से फतवा लिया तो उलमा ने फतवा दिया कि तलाक़ें तो हो गई हैं, चौदहवीं का चांद ज़्यादा हसीन है। तो लोगों ने कहा कि अबू हनीफा के किसी शागिर्द से पता करो, वो इस मसले को हल करेंगे। चुनाचे अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की शागिर्द ने इस आयत से इस्तेदलाल किया कि नहीं, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहे हैं और तलाक नहीं हुई, अल्लाह अपने कलाम में कह रहा है, लकद खलकनल इंसाना फ़ी अहसनी तकवीम, हमने इंसान को सबसे ज़्यादा हसीन बनाया है, इंसान से ज़्यादा हसीन मखलूक कोई नहीं है। तो ये जब इस्तेदलाल इस आयत से सुना तो उलमा ने कहा, हाँ, इंसान सबसे ज़्यादा हसीन है, और वो इस तरह से तलाक से बच गए। तो एक यहाँ पे अल्लाह ताला ये चीज़ जिक्र कर रहे हैं। फिर इसके बाद इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ये अल्लाह ने क्यों उतारी, अल्लाह ने ये सूरत क्यों उतारी? हुआ ये था कि आप अलैहिस्सलाम मिंबर पर तशरीफ़ लाए, और मिंबर पर तशरीफ़ लाने के बाद बनी इसराइल का एक इबादत गुजार था जिसका नाम शमऊन था। मेरे नबी ने फरमाया कि शमऊन इतने बड़े इबादत गुजार थे कि 80 साल अल्लाह की ऐसी इबादत की है कि 80 साल तक रातों को जागते रहे हैं, एक सेकंड भी नहीं सोए हैं, 80 साल जागकर अल्लाह को राज़ी किया है। और इतने बड़े इबादत गुजार थे कि 80 साल तक लगातार हराम दिनों के अलावा रोज़ा रखते आए हैं, और उन्हीं 80 सालों में दिन में अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते थे, दिन में रोज़ा होता था और रात को जागते थे। तो सहाबों को बड़ा रश्क हुआ, इतनी इबादतें, इतनी इबादतें, हम तो इतनी इबादत नहीं कर सकते, हमारी तो उम्र ही 60-60, 70-70 साल हैं। तो सहाबा तो खैर की चीज़ों में लालची हुआ करते थे कि हमें कोई काम की बात पता चले, अमल कर लें, इन चीज़ों में लालच किया करते थे।
तो आप अलैहिस्सलाम से कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो उनके आमाल बढ़ जाएंगे, हमारी नेकियां कम हो जाएंगी, हमारी तो उम्र थोड़ी हैं, उम्र कम है। अब ये कहना था कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। ए उम्मत मुहम्मदिया के लोगों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अगर हमने लंबी लंबी उम्रें दी थी, आपको हमने कीमती रातें दी हैं, उन कीमती रातों में से एक रात लैलतुल क़द्र भी है, शब क़द्र भी है, जो रमज़ान की आखिरी ताक रातों में से कोई रात है, 21 को भी हो सकती है, 23 को भी हो सकती है, 25 को भी हो सकती है, 27 को भी हो सकती है और 29 को भी हो सकती है। ये रात ऐसी रात है जो इस रात में इबादत करेगा, जो इस रात में अल्लाह को राजी कर लेगा और उसे शब्बे कदर मिल गई, तो वो 80 साल नहीं, उससे हम 83 साल 4 महीने की इबादत का अजर अता फरमाएंगे। कम अज कम जिस शख्स को शब्बे कदर मिल गई, 1000 साल अल्लाह कम से कम बता रहे हैं कि 1000 साल बनते हैं 83 साल 4 महीने, तो जिसको शब्बे कदर मिली गोया कि उसने 83 साल 4 महीने अल्लाह की इबादत कर ली, और जिसको अपनी ज़िंदगी में 50 दफ़ा शब्बे कदरें मिल गई तो उसको तो हज़ारों साल बन जाएंगे। तो अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया की लाज रखी और ये सूरत उतारी कि आप लोगों को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस रातों में जाग कर मुझे राज़ी करें, मेरी इबादत करें, आपके अजर को बढ़ाना मेरा काम है, आपका सवाब बढ़ाना मेरा काम है। अब आपको मैं मशवरा देता हूँ, एक रात बाकी रह गई है, एक रात 29 की हमारे पास, शब्बे कदर में क्या करें, क्या पता वही हो, क्या पता वही हो, अल्लाह का कुछ पता नहीं है, अल्लाह ने उसी रात को शब्बे कदर बनाया हो, तो करना क्या है उस रात में। एक तो मर्दों के लिए काम है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इशा की नमाज जिसने जमात के साथ पढ़ी, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी, अल्लाह ताला सारी रात इबादत का सवाब अता फरमाएंगे। तो मर्द तो 29वीं रात को जो एक रह गई है, कम अज़ कम दर्जा इशा और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ें। औरतें क्या करें, औरतें वक्त पर नमाज अदा कर लें, इशा की अजान सुनकर नमाज अदा कर लें, फजर की अजान सुनकर नमाज अदा करें, ताखीर ना करें। कम अज़ कम किसी औरत ने यह भी कर लिया और सारी रात सोई रही, अल्लाह इंशाल्लाह सारी रात इबादत का अजर अता फरमाएंगे। लेकिन मशवरे आपको मैं 3 देता हूँ, क्या करना है, 29वीं रात को हस्ब तौफीक सदका करें, जो अल्लाह तौफीक दे। आपने सदका किया और शब कदर हुई तो अल्लाह ताला 83 साल 4 महीने सदका करने का सवाब अता करते रहेंगे। 2 रकत नफल पढ़ लें, आपने 2 रकत नफल पढ़ ली, शब कदर हुई तो अल्लाह ताला 83 साल 4 महीने नफल नमाज पढ़ने का सवाब अता करते रहेंगे, इतना अल्लाह अता करेगा। आपने फिर और क्या करें, कम अज़ कम सूरह इखलास 3 दफ़ा पढ़ लें, 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ना एक कुरान करीम पढ़ने के बराबर है, एक कुरान करीम। तो आपने 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ी और वह शब्बे कदर हुई तो अल्लाह ताला आपको 83 साल 4 महीने तक पूरे कुरान करीम पढ़ने का अजर अता करते रहेंगे। इतने अल्लाह ताला ने हमारे लिए बरकतें और आसानियाँ कर दी हैं। तो एक रात बाकी है, इस रात को कीमती बनाएं, इबादत करें, अल्लाह से मांगें। अल्लाह का अर्श पहले आसमान पे सारी रात होता है और सदाएं लगती हैं, हल मिन मुस्तरज़िकिन, है कोई अपना रिस्क बढ़ाने वाला, रिस्क मांगने वाला, हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई अपने गुनाहों को माफ़ करवाने वाला, हल मिन साइलिन, है कोई मुझसे मांगने वाला, फ़ौतियाहू कदा व कदा, मैं उसको ये अता करूँ, जो मांगेगा अता करूँ। तो हमारे ज़िम्मे मांगना है, तो गुजारिश करूँगा 29 की रात को बजाएँ दाएँ बाएँ चीज़ों में ज़ाया करने के, इबादत में गुजारें, लंबी लंबी दुआएँ करें, अपनी हाजतें, अपना सारा साल का बजट इन रातों में मंजूर होता है, अल्लाह से अपने सारे साल का बजट तय करवाएँ, सारे साल का बजट पेश करें, सारे साल का बजट पेश करें। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने यह ज़िक्र कर दिया। फिर आगे चल के है वैलुल लिकुल्ली हुमज़ति लुमज़ा, ये बड़ी ख़तरनाक आयत है, वही लुल्ली कुल्ली, अल्लाह कह रहे हैं हलाकत है, हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है,
एक मतलब ये, और एक मतलब है वैल बोलते हैं जहन्नम में एक वादी है, और ये वो वादी है जिससे जहन्नम भी पनाह मांगती है। इस वादी में क्या है, बाकी जो ऊपर के जहन्नम वाले हैं उनका जो खून और पीप है वो सारा खून और पीप जमा होकर इस वादी में गिरता है, इस वादी को वैल कहा जाता है। वैल, ये अल्लाह ये किसके लिए है, किसके लिए अल्लाह कह रहा है वैलुल लिकुल, ये वैल है हर उस शख्स के लिए जो ऐब लगता ना देने वाला है, जो लोगों को ताना देता है, ताना देने वालों के लिए वैल की वादी है। और किसके लिए है, हो मज़ा तिल्लू मज़ा, जो ऐब लगाने वाले हैं जिनका काम लोगों पर ऐब लगाना है, लोगों पर तोहमतें लगाते रहते हैं, ऐब लगाते रहते हैं, अपने भाई बहनों में नक्श निकालते रहते हैं, उन लोगों के लिए। और कौन है, अल्लज़ी जमा मालं वअद्दा, जो अपने माल को समेट समेट के जमा कर कर के रखता है, यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, और ये समझता है कि ये मेरा माल हमेशा रहेगा, मेरे काम आएगा, ये हमेशा रहेगा, मेरे काम आने वाला। तो अल्लाह कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए ये जहन्नुम की वादी वैल है, जो अखलाक के गिरे हुए हैं, जो बद किरदार हैं, जो लोगों पर ऐब लगाते हैं, लोगों को ताने देते नहीं थकते हैं, ऐसे लोगों के लिए है। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है, आम तौर पर औरतों में ये आदत पाई जाती है। तो अल्लाह माफ़ फरमाए, जगह जगह बात बात में नक्श निकालना, ऐब निकालना, ताने देना, तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत है और वईद है जो अल्लाह ताला हमें सुना रहे हैं, बता रहे हैं। तफसील में जाने का मौका नहीं, वरना मैं तफसील ज़िक्र करता, तो अब तो मैं कुछ और चीज़ ज़िक्र करना चाह रहा था तफसील के साथ, इस वजह से ये तो बस मैंने इशारे किए हैं। इंशाल्लाह ईद के बाद हम इस प्रोग्राम को जब तफसील के साथ शुरू करेंगे उसमें फिर मैं आपको डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें बताऊंगा। आगे चल के सूरह फलक और सूरह नास है, ये दोनों सूरतें अल्लाह ताला ने इकट्ठी उतारी हैं। हुआ ये था कि आप अलैहिस्सलाम पर 6 महीने ऐसे गुजरे हैं, आप अलैहिस्सलाम पर जादू कर दिया। हज़रत आयशा से रिवायत है, हज़रत आयशा फरमा रही हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला ने मेरी बीमारी दूर कर दी, और फरमाया कि ख्वाब में 2 शख्स मेरे पास आए, एक मेरे सिरहाने बैठ गया, एक पाँव की तरफ बैठ गया। सिरहाने वाले ने दूसरे से कहा इनको क्या तकलीफ़ है, दूसरे ने कहा ये मशहूर हैं, इन पर जादू हो गया है। उसने पूछा कि किसने जादू किया है, तो सर वाले ने कहा कि लबीद बिन आसम ने, जो यहूदियों का साथी बना हुआ है, मुनाफिक है, उसने किया है। फिर उसने पूछा किस चीज़ पर जादू किया है, तो उसने बताया दूसरे फरिश्ते ने एक कंघे और उसके दंदानों में। फिर उसने पूछा कि वो कहाँ उसने छुपाई हैं, तो फरिश्ते ने कहा, फरिश्ते ने बोल के बताया के खजूर के गिलाफ़ में, जिसमें खजूर का फल पैदा होता है, वो एक कुएं में एक पत्थर के नीचे मदफून है, पत्थर के नीचे मदफून है, वहाँ जादू किया है। तो आप अलैहिस्सलाम ये ख्वाब देखकर बेदार हुए, कुएं पर तशरीफ़ ले गए और उसको निकाला, और उसमें 11 सुइयां गड़ी हुई थी। आप अलैहिस्सलाम एक एक सुई निकालते जाते और ये एक एक आयत पढ़ते जाते थे, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, ये 11 आयतें हैं, एक एक आयत पढ़ते जाते थे, और एक एक आयत से पढ़कर आप अलैहिस्सलाम सुई को निकालते जाते थे। जैसे आपने ये 11 आयतें पढ़ी हैं, सारी सूरत मुकम्मल हुई है, अल्लाह ताला ने आपको ठीक कर दिया। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरी बीमारी दूर कर दी, अल्लाह ने बीमारी दूर कर दी। फिर लोगों ने आप अलैहिस्सलाम से कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस शख्स ने आप पर जादू करवाया हम उसको कत्ल ना कर दें, ये मुनाफिक था, आप अलैहिस्सलाम के साथ रहता था, सबको पता था कि ये है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे रहमत बना के भेजा है, मैं उसको कत्ल नहीं करूँगा, मैं किसी की तकलीफ़ का सबब नहीं बन सकता, मैं किसी की तकलीफ़ का सबब नहीं बन सकता। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आप समझें कि जादू बरहक है, जादू बरहक है। जब एक नबी पर जादू चल सकता है, रिवायात में आता है जिस कुएं में उस यहूदी ने जादू किया था, कुएं का पानी काला सियाह हो चुका था,
पानी की रंगत बदल चुकी थी, बिल्कुल सियाह रंगत उसकी हो चुकी थी, इतना ख़तरनाक जादू किया हुआ था आप अलैहिस्सलाम को माज़ल्ला हलाक करने के लिए। लेकिन मेरे नबी पर इस जादू का असर ये हुआ, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आप कोई काम कर लेते थे, आपको लगता था कि मैंने नहीं किया, या आप कोई काम नहीं किया हुआ होता था तो कभी कभी महसूस होता था कि मैंने ये काम कर लिया है। इतना आप पर जादू का असर हुआ, इससे ज़्यादा आप पर जादू का असर नहीं हुआ, लेकिन इतना भी चल गया, इतना भी चल गया। तो यहाँ पर एक तो बात ये पता चली कि जादू बरहक है, जादू हो जाता है, जादू चल जाता है, किसी पे भी हो जाता है। और एक बात ये फिर यहाँ पे पता चली, अच्छा जादू की बहुत सारी किस्में, अल्लाह माफ़ फरमाए, किसी को हलाक करने के लिए भी होता है, किसी के माल को नुकसान करने के लिए होता है, किसी के सेहत को बिगाड़ने के लिए भी जादू किया जाता है, अल्लाह माफ़ फरमाए, किसी की औलाद को नुकसान पहुंचाने के लिए भी जादू किया जाता है। जादू की बेशुमार किस्में होती हैं, बेशुमार किस्म का जादू किया जाता है और जादू की बेशुमार किस्में हैं। तो आप अलैहिस्सलाम पर जादू हुआ, अल्लाह ताला ने इसका हल भी बता दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई बीमारी ऐसी नहीं है, लैसा लहू दाउन इल्ला दवाउन, कि अल्लाह ताला ने जिसका इलाज और जिसका हल ज़मीन पर ना उतारा हो। अगर नीचे जगह नहीं है तो ऊपर इनको ले जाएं, ऊपर बिठा लें। तो अल्लाह ताला ने जादू का इलाज भी उतारा, लेकिन याद रखें ये जादू करवाने वाला काफिर हो जाता है, दायरा ईमान से खारिज हो जाता है, सज़ाएँ बड़ी सख्त हैं, सज़ाएँ भी सुन लें। अहादीस मुबारक में आता जिसने किसी पर जादू करवाया दायरा ईमान से खारिज हो गया, कुफ्र है जादू करवाना, किसी को नुकसान पहुंचाना। और दूसरी सज़ा, जादू करवाने वाले पर ख़ुद बसा औकात पलट जाता है, जो दूसरों की तबाही बर्बादी हलाकत के लिए गड़ा खोदता है ना, आम तौर पर वो ख़ुद इसके अंदर मुब्तला हो जाता है, वो उनके बच्चे उनका कारोबार तबाह बर्बाद हो जाता है, परेशानियां डेरा डाल देती हैं, सुकून में नहीं रहते। और काले इल्म वालों के पास जाकर तो किसी अमल का करवाना भी जायज़ नहीं है। रूहानी इलाज करवाएं कुरान करीम के ज़रिए, आयात के ज़रिए, अहादीस मुबारक में मेरे नबी ने बेशुमार इलाज बताएं, उसके ज़रिए अपना इलाज करवाएं। तो काले इल्म वालों के पास जाना भी जायज़ नहीं है, इलाज करवाना भी जायज़ नहीं है, कि वो कुफ्रिया शिरकिया आमाल बताते हैं। और आपको अजीब बात बताऊँ, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने बड़े दर्जे के सहाबी हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद, इनकी बीवी पर शैतान ने क्या किया, शैतान इनकी बीवी के पास आता और पेट के पास से गोश्त पकड़ के वो काटता, जिससे उनकी बीवी को लगता कि मुझे दर्द हो गया है और मैं दर्द में तड़पती हूँ, करता शैतान था। और शैतान ने इनकी बीवी के जहन में ये वसवसा डाला कि एक मुशरिक है, वो बड़ा माहिर है, काले जादू का इल्म रखता है, उसके पास चली जाओ, वहाँ जाके तुम्हारा इलाज हो जाएगा। ये वहाँ पर गई, उसने मंत्र शंतर कुछ पढ़ा, वो ठीक हो गई। आकर अपने खावन से जो अब्दुल्ला बिन मसूद हैं कहने लगी कि मैं इस बीमारी में मुब्तला थी, पेट दर्द का मसला था, ठीक ही नहीं होता था, ठीक ही नहीं होता था, और फलाने आमिल के पास गई जो कि मुशरिक है, उसने मुझ पर मंत्र किया, मैं ठीक हो गई। अब्दुल्ला बिन मसूद ने इन्ना लिल्लाह पढ़ी, फरमाया अल्लाह की बंदी, ये शैतान ने तुझे पकड़कर तुझ पर वार किया हुआ था और वो मरोड़ता रहता था और वो तुझे उस आमिल के पास लेकर गया कि तू गुनाह के अंदर मुब्तला हो और अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराए। तो शैतान ये हरकतें भी करता है। इन सब चीज़ों का इलाज किया है, इन सब चीज़ों का इलाज ये मुआवज़तैन है। आप अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी कि आप अलैहिस्सलाम हमेशा हर नमाज के बाद भी फलक नास पढ़ा करते थे। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि आप अलैहिस्सलाम जब कोई बीमारी होती, आप अलैहिस्सलाम ये सूरतें अपने हाथों पर पढ़कर दम करते और सारे बदन पर फेर लिया करते थे, यहाँ तक
जब आप अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमाने लगे तो अम्मी आयशा कहती हैं कि आप अलैहिस्सलाम तो पढ़ नहीं पा रहे थे, मैं ये सूरतें पढ़ पढ़ कर आप अलैहिस्सलाम के हाथों पर दम करती और आप अलैहिस्सलाम के हाथ पकड़ कर आपके बदन पर फेर दिया करती थी। इस हालत में भी और इस आलम के अंदर भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सूरतें पढ़ पढ़ के हज़रत आयशा आप अलैहिस्सलाम पर दम कर रही हैं। तो ये सूरतें बड़ी अहम हैं, इन सूरतों का मामूल बना लें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। हर नमाज के बाद तीन तीन दफ़ा ये दोनों सूरतें पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, इंशाल्लाह कई बीमारियों से महफूज रहेंगे, कम से कम दर्जा जादू से महफूज रहेंगे। और अगर खुदा न खास्ता कोई जादू हो भी जाए तो उसके असरात बद से महफूज रहेंगे। हज़रत उकबा बिन आमिर की हदीस में क्या पारी सलात व सलाम ने फरमाया कि तुम्हें कुछ खबर है, आज की रात अल्लाह ताला ने मुझ पर ऐसी आयत उतारी हैं कि उनकी मिसल मैंने कोई आयतें नहीं देखी, वो सूरह फलक और नास हैं। तो आप अलैहिस्सलाम इनका बड़ा अहतमाम किया करते थे, इनको पढ़ा करते थे। और मैंने अर्ज़ किया कि जादू वगैरह से शर से वो खा इंसानों का शर है या जिन्नात का शर है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, ए अल्लाह मैं खन्नास के शर से तेरी पनाह चाहता हूँ। वो खन्नास कौन है? अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, वह इंसानों में से भी हो सकता है, वह जिन्नात में से भी हो सकता है। मतलब हम ये कह रहे होते हैं ये पढ़ के, ए अल्लाह अगर इंसान मुझे तकलीफ पहुंचाने में लगा है मैं उनके शर और वसवसों से तेरी पनाह चाहता हूं, या अल्लाह अगर जिन्नात मुझे तकलीफ पहुंचाने में लगे हुए हैं तो मैं उनके शर और वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूं। ये मतलब है इसका, ये मतलब है। तो इसको अपनी आदत बना लें, सूरह फलक और नास हर नमाज के बाद तीन तीन दफा पढ़ के अपने हाथों पर दम कर लिया करें। अल्लाह का फजल है, मेरे पास जितने भी मरीज आते हैं दम करवाने आते हैं मैं उन्हें लाजमी ये बताता हूँ, खास तौर पर जो जिस्मानी मरीज होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बड़ा अच्छा नतीजा निकलता है। बड़े बड़े अमराज वाले जिन्हें डॉक्टर या तो ला इलाज कह देते हैं या जो मुसलसल दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अल्लाह का फजल है इस सूरज के इस्तेमाल से अल्लाह ताला शिफा अता फरमाते हैं। तो जितने भी मरीज़ हैं और हम में से हर कोई मरीज़ है तो इस सूरत को हर नमाज के बाद तीन तीन दफ़ा पढ़े, अपने हाथों पर दम करे और अपने सारे जिस्म पर फैल दे, इंशाअल्लाह शिफा देंगे। कोई अचानक बीमारी आ जाए तो मेरे नबी की सुन्नत, मेरे नबी का वजीफ़ा क्या है, हज़रत आयशा क्या कर रही हैं, बीमारी में इसको तीन तीन दफ़ा पढ़ कर आप अलैहिस्सलाम के हाथों पर दम करके उनका हाथ बदन पर फेर देती, तो हम भी इसको ये करें तो इससे इंशाअल्लाह हिफाजत होगी, आफ़ियत होगी। तो एक तो मैंने बताया कि काला जादू काला इल्म करवाना हराम है, करवाने वाला इस्लाम से निकलकर कुफर की सरहदों में दाखिल हो जाता है, जब तक तौबा ना करे वो माफ़ नहीं किया जाता। और इसका इलाज भी बता दिया कि इलाज क्या है, इलाज ये है कि जनाब इन सूरतों को पढ़ा जाए, सूरह बकरा भी पढ़ ली जाए। इसी तरीके से यहाँ पर आप अलैहिस्सलाम ने उस यहूदी को और मुनाफिक को माफ़ कर दिया और मुआखज़ा नहीं फरमाया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर खुदा ना खास्ता हम पर कोई सहर वगैरह करवाए तो बदले में उस पर इंतकामी कार्रवाई करवाना जायज़ नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता हम पर कोई सहर करवाए, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो बदले में कतान जायज़ नहीं है कि हम उससे नुकसान पहुंचाएं या उस पर जादू करवा दें। हाँ इतना पढ़ सकते हैं, एक दुआ आपको बताता हूँ, ये दुआ कर सकते हैं और ये आप अलैहिस्सलाम किया करते थे यहूदियों के शर से बचने के लिए। क्या दुआ? अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊदु बिका मिन शुरूरिहिम, ए अल्लाह मैं अपने दुश्मनों को तेरे हवाले करता हूँ और उनके शर से तेरी पनाह मांगता हूँ। तो दुश्मन जिसके भी हैं वो देखे हुए हैं बिन देखे हुए हैं, इस दुआ को 313 दफ़ा अगर कोई पढ़ लेगा इंशाअल्लाह अल्लाह दुश्मनों से निजात अता फरमाएंगे। वो दुआ क्या? अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊदु बिका मिन शुरूरिहिम, या कम से कम 21 दफ़ा सुबह शाम पढ़ने का मामूल बना लें। 21 दफ़ा सुबह पढ़ें, 21 दफ़ा शाम, मतलब जहन में रखें,
मतलब क्या है? ए अल्लाह, अपने दुश्मनों को तेरे हवाले करते हैं, वो दुश्मन जिन्हें हम जानते हैं या नहीं जानते, वनाऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, और उनकी शरारतों उनकी परेशानियों से तेरी पनाह मांगते हैं। और जाहिर है जो अल्लाह की पनाह मांगेगा अल्लाह उसको ज़रूर पनाह अता फरमाएंगे, अल्लाह ज़रूर पनाह अता फरमाएंगे। तो बहरहाल ये इसके हवाले से मोटी मोटी चीज़ें मैंने जिक्र कर दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 30 पारों की तफसीर जो थी, अहम अहम चीज़ें वो मुकम्मल हो गई हैं। और मुबारक और खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो माशाल्लाह ये सारे रोज़ाना आते रहे, और अल्लाह से हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह बतौर ख़ास अपनी बरकतें उनको अता फरमाए जो यहाँ पर रोज़ ये आते रहे, और इंशाल्लाह जो नहीं आए किसी वजह से अल्लाह उन्हें भी बरकतें अता फरमाए, अल्लाह उन्हें भी अपनी फ़जल और करम फ़जल वाले मामले फ़रमाए। तो इस हवाले से मैं कुछ चीज़ें आज आपसे ज़िक्र कर देता हूँ। देखें, कुरान करीम की जब तकमील होती है ना, जब कुरान करीम मुकम्मल होता है, एक छोटी सी आज महफिल हमने यहाँ पर लगाई है, हमारे बच्चों की तकमील होती है, एक छोटी सी महफिल कहीं स्कूल में लगती है, किसी पार्क मस्जिद में होती है, एक महफिल हशर के मैदान में अल्लाह ताला लगाएगा, अल्लाह ताला एक महफिल सजाएंगे, उस महफिल में मेज़बान अल्लाह होंगे, मेहमान कौन होंगे? आदम अलैहि सलातु वस्सलाम से लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1.25 लाख अंबिया होंगे, और कौन होगा? मेरी आपकी सारी नस्लें होंगी, हमारे आबाओ अजदाद भी होंगे, हमारे बाद में आने वाले पोते पोतियाँ नवासे नवासे भी होंगे, सारी नस्लें होंगी। अल्लाह ऐलान करेंगे, किन्हें बुलाएगा? बादशाहों को कोई नहीं, वज़ारा को कोई नहीं, सरदारों चौधरियों को, ऑफिसर्स को कोई नहीं, अल्लाह बुलाएगा हुफाज को। ऐलान होगा, कहाँ है वो माँ बाप, कहाँ है वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को दुनिया में कुरान करीम हिफ्ज़ करवाया था, अपने बच्चों को आलिम बनाया था, अपने बच्चों को दीन के राहों पे चलाया था, वो माँ बाप आए, आज उनकी दस्तार बंदी की जाएगी, उन्हें इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। अल्लाह क्या पहनाएंगे? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह उनके सरों पर ऐसा ताज रखेगा जिसकी रोशनी सूरज से भी ज़्यादा होगी, सूरज से ज़्यादा रोशनी होगी, सूरज से ज़्यादा रोशनी होगी। अल्लाह इज़्ज़त का ताज पहनाएंगे, इज़्ज़त का ताज पहनाएंगे, और अल्लाह क्या कहेगा हुफाज से, उलमा से? अल्लाह कहेगा इकरा वर्तकी वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिल, ऐ मेरे बंदे पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियों पे चढ़ता जा, जैसे तो दुनिया के अंदर ठहर ठहर के पढ़ा करता था, आज भी ठहर ठहर के पढ़ और जन्नत की मंजिलों पे चढ़ता जा, जहाँ जाकर तेरी आखिरी आयत ख़त्म होगी जन्नत में वो तेरा ठिकाना होगा। अल्लाह ताला ने जन्नत की मंजिलें बनाई हैं, 6623 मंजिलें हैं, जितनी कुरान करीम की आयतें हैं इतने जन्नत के दर्जे हैं, और हर दो मंजिलों के बीच में 500 साल की इंसानी आँख की मसाफत का फासला है। हमारी जो दो मंजिलें होती हैं कितना होता है? 8 फीट का, 10 फीट का होता है, जितना लेंटर होता है इतना फासला होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने जन्नत की दो मंजिलों के बीच में 500 साल की मसाफत का, जितना ज़मीन आसमान की मसाफत है हर दो मंजिलों के बीच में अल्लाह ताला ने इतना फासला रखा है, इतना फासला रखा है। और अहादीस मुबारक में रिवायात में आता है कि जन्नती नीचे वाले जन्नती जन्नत में बैठे होंगे, जन्नत में बैठे होंगे, जन्नत में बैठे बैठे बड़ी उम्दा और बेहतरीन किस्म की खुशबू आएगी, तो जन्नती फरिश्तों से पूछेगा ये खुशबू कहाँ से आ रही है, कहाँ से आई? फरिश्ते कहेंगे जो आपसे ऊपर वाला जन्नती है उसने अपने बिस्तर पर करवट बदली है, अल्लाह उसकी करवट से ये खुशबू पैदा फरमा रहे हैं। वो फरिश्ते से हैरान होकर पूछेगा उसने क्या किया था जो उसको इतनी आला जन्नत मिली कि उसकी करवट से ये खुशबूएं पैदा हो रही हैं जो हमारी जन्नत में भी नहीं है। वो हैरान होकर पूछेगा क्या किया था उसने, क्या किया था? तो फरिश्ते कहेंगे कि उसने दुनिया में जब काम का वक़्त था, दुनिया में जब मेहनत करने का वक़्त था, सिर्फ एक दफ़ा तुमसे सुबहानअल्लाह ज़्यादा कहा था, एक दफ़ा सुबहानअल्लाह ज़्यादा कहा था, अल्लाह ने जन्नत अता की। तो एक एक नंबर की भी बड़ी कीमत होती है, आप देखते नहीं हैं एक बच्चा बच्ची एक नंबर से एंट्री टेस्ट में निकल जाते हैं और एक नंबर से रह जाते हैं,
CSS के इम्तिहान में एक नंबर से बच्चा ऑफिसर बन जाता है, एक नंबर से रह जाता है। तो दुनिया में एक एक नेकी के अल्लाह के यहाँ बड़ी कीमत है। किसी नेकी को ज़ाया ना किया करें, किसी नेकी को हकीर ना समझा करें। तो अल्लाह हुफ्फाज़ को यह अता फरमाएगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक हाफिज़ कुरान जिसने कुरान को सीने में सजाया, इस पर अमल किया, इसका हक अदा किया, अपने ख़ानदान के 10 उन लोगों को जन्नत में लेके जाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, और एक आलिम अपने ख़ानदान के 70 उन लोगों को जन्नत में लेके जाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। और अल्लाह क्या करेंगे, अल्लाह ताला उलमा को वो मकाम व मर्तबा देगा कि अल्लाह ताला उलमा की कुर्सियां नबियों के साथ लगाएगा। फ़र्क इतना होगा कि अंबिया की कुर्सियों पर नबूवत की मोहर लगी होगी और उलमा की कुर्सियों पर नबूवत की मोहर नहीं होगी। तो बड़े बड़े लोग वो पहली मंजिल में, दूसरी मंजिल में, और जो उलमा हुफ्फाज़ दीन पर चलने वाले, अमल करने वाले, अल्लाह उन्हें 6000वां फ्लोर अता फरमाएंगे, सहाबा की पड़ोस वाली जन्नत अता फरमाएंगे। तो आज हम अपने बच्चों को सब कुछ बनाते हैं, अपना काबिल बच्चा होना अपनी दुनिया बनाने के लिए कहते हैं डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, लेकिन उसको हम हाफिज़ नहीं बनाते, आलिम नहीं बनाते, मुफ्ती नहीं बनाते, ये सोच के कि कहाँ से खाएगा, कहाँ से कमाएगा। अल्लाह की कसम, अल्लाह इतना खिलाएंगे, इतनी इज्जत देंगे कि अल्लाह ताला किसी को भी वो इज्जत अता नहीं करता। अल्लाह सारी इज्जत कदमों में ला के डाल देगा। मसला क्या होता है, हम अपने काबिल बच्चे को हाफिज़ नहीं बनाते, काबिल बच्चे को आली मुफ्ती नहीं बनाते। फिर जब वो काबिल नहीं होता तो वो उसको अच्छे तरीके से उसका हक भी अदा नहीं कर पाता, इस वजह से वो मार खा जाता। काबिल हो, अच्छा आली मुफ्ती बने, अल्लाह उसको लोगों के सरों का ताज बनाते हैं, अल्लाह उसको वो इज्जत देते हैं कि बेताज के लोगों के दिलों पर राज और बादशाही करता है। उसके लिए ना चाहते हो हमारी ज़ुबान से रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज निकलते हैं, अल्फाज निकलते हैं। और अल्लाह कुरान में ख़ुद कह रहा है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाहा यरफ़ऊ बिहादल किताब अक़वामन वयदाउ बिही आखरीन। अल्लाह ताला इस कुरान पर अमल करने वालों को इज़्ज़त देगा, कुरान को सीने से लगाने वालों को इज़्ज़त देगा, अमल ना करने वालों को अल्लाह ज़लील और रुसवा करेगा। एक बच्चा था, मैं आपको किस्सा मुख्तसर सुनाता हूँ। मदीना मुनव्वरा में एक बच्चा बिकते बिकाते आया, सालिम नाम था, सालिम सालिम नाम था इस बच्चे का। ये ना अकल का अच्छा, ना शक्ल का अच्छा, ना माँ बाप का अता पता, ना कौम कबीले का, ना बरादरी का, गुलाम था। शाम के अंदर किसी ने ख़रीदा सलाम बिन मुश्किम में, मदीना मुनव्वरा में ला के बेच दिया। फातिमा नामी औरत ने ख़रीदा, ये सारा ख़ानदान मुसलमान हुआ। आप अलैहिस्सलाम की मजलिस में जाने लगा, आप अलैहिस्सलाम के जब दर्स में ये बच्चा जाने लगा तो कुरान की जो आयत उतरती थी ये बच्चा कुरान की उस आयत को याद कर लेता, जो आयत उतरती ये बच्चा सारा कुरान हिफ्ज़ करने लगा। एक दिन ये बच्चा हरम के अंदर कुरान की तिलावत कर रहा था, आप अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, कान लगा के सुनने लगे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी उम्मत में सालिम जैसे लोग पैदा किए। मेरे नबी इसको एजाज़ दे रहे हैं, उस बच्चे को जब ना अकल का, ना शक्ल का, ना ख़ानदान का पता, ना हसब नसब का, मेरे नबी फ़ख्र कर रहे हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा किए। अल्लाह फिर ये इज़्ज़तें देता है, अल्लाह फिर क्या इज़्ज़तें देता है। आप अलैहिस्सलाम ने एक दिन को देखा और कहा, अल्लाह की कसम सालिम का सारे का सारा दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर चुका है, सालिम का सारा दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर चुका है। अल्लाह फिर ये इज़्ज़तें अता करते हैं, ये अल्लाह इनामात अता करता है। फिर जब हिजरत का हुक्म दिया और जब कुबा में पहुँचे हैं, और जब कुबा में गए हैं तो वहाँ पर कौन कौन है, उमर हैं, कौन हैं, उस्मान हैं, कौन है, तलहा ज़ुबैर हैं, कौन हैं, बड़े बड़े सहाबी हैं। लेकिन जब नमाज पढ़ाने का वक्त आया तो अब देख रहे हैं कि नमाज कौन पढ़ाएगा। उमर बिन ख़त्ताब ने सालिम को मुसल्ले पर खड़ा कर दिया कि ये हमारा इमाम बनेगा।
ये उमर जैसे को नमाज पढ़ा रहा है, ये नमाज पढ़ा रहे हैं किनको? उस्मान बिन अफ़ान जैसे को, वो बच्चा जिसका अता पता कोई नहीं, माँ बाप का नहीं पता, कौम बरादरी कबीले का नहीं पता, लेकिन कुरान ने इतनी इज्जत दिलवाई कि अल्लाह ताला ने उमर जैसे का इमाम बना दिया। ये मेरे नबी का वादा है, अल्लाह दुनिया में भी इज्जत दिलवाता है। इन्नल्लाह यरफ़ाउ बिहादल किताब अक़वामा, अल्लाह इस कुरान के जरिए अमल करने वालों को इज्जत की बुलंदियों पर पहुंचा देता है, ना करने वालों को जलील और रुसवा कर देता है। और अल्लाह ने क्या इज्जत दी, जब हज़रत उमर का इंतकाल होने लगा तो कहने लगे काश के सालिम जिंदा होता, ये जल्दी फौत हो गए जवानी में, काश के सालिम जिंदा होता मैं उसको मुसलमानों का खलीफा बना के जाता, और अगर अल्लाह मुझसे सवाल करता कि सालिम को क्यों खलीफा बनाया, तो मैं अल्लाह से कहता या अल्लाह मैंने तेरे सच्चे नबी की ज़ुबान से सुना था कि सालिम का सारे का सारा दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर चुका है, इस वजह से मैंने खलीफा बनाया है। तो ये इज्जत है कुरान दिलवाता है। कुरान पर अमल करने वाला हसब नसब कोई चीज़ नहीं देखता, कुरान देखता है कि कौन मुझे सीने से लगा ले, कौन अमल कर ले, मैं उसको इज्जत दिलवा दूंगा। एक वाक्य आपको सुनाता हूँ, इमाम अबी यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह क़यामत तक के लिए अल्लाह ने उनके फैज़ को जारी कर दिया, बड़ी बड़ी अहादीस की फ़िक़्ह की किताबें लिखीं। एक धोबी के बेटे थे, बाप का इंतकाल हो गया। आपको बता रहा हूँ कि अपने बच्चों को अगर आलिम बनाएंगे, सही वाला आलिम, कुर्बानियाँ देकर जो आलिम बने सही वाला आलिम, अल्लाह क्या नवाजेगा, अल्लाह की कसम अल्लाह दुनिया में भी नवाजेगा, दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह। देखें अल्लाह ताला ने इतने मज़े और इतना चैन सुकून रखा होता है, तहदीस बिन नमत के तौर पर जिक्र कर रहा हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मदरसे में भी पढ़ा, अरबी में स्पेशलाइजेशन भी किया, मैंने स्कूल में भी पढ़ा और मैंने स्कूल में भी बड़े अच्छे अच्छे नंबर लिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह टॉपर्स में रहा, पंजाब यूनिवर्सिटी से एमफिल, और फिर मैं आईटीयू में प्रोफेसर भी लग गया, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जो पाकिस्तान की आईटी की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी, यरफा जो टावर है। मैंने अपने इख्तियार और मर्जी से यूनिवर्सिटी छोड़ दी, क्यों कि हमारे लिए हमारी नज़रों में ये दीन के काम ज़्यादा अहम है, और वहाँ कितनी तनख्वाह थी, हज़ारों में नहीं लाखों में तनख्वाह देते हैं वो लोग। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा तो वो होते हैं जो अपने इख्तियार से ये पैसा छोड़ते हैं और दीन के काम में लगे रहते हैं। जब इस तरह दीन के काम में लगेंगे अल्लाह की कसम अल्लाह सारी इज्जत आपके कदमों में ला के डालेगा। ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि अपने बच्चों को आलिम बनाना है, हाफिज़ बनाना है, तो उनको फिर इस लाइन पे चलाने की तरगीब दें, उनको सही वाला आलिम बनाएं, कुर्बानियाँ देकर पढ़ने वाला और फिर आगे अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मदरसों के लोग हैं, हमें यूनिवर्सिटियों में जाके पढ़ाना हाँ फ़ायदा होता है, लेकिन अपनी जगहों पर बैठकर लोगों के काम आना ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। अपनी जगहों पर बैठकर लोगों के मसाइल हल करना ये उससे बड़ा फ़ायदा है। अपनी जगहों पर बैठकर लोगों को अल्लाह के नबी का तारुफ़ करवाना ये उससे बड़ा फ़ायदा है। उस फ़ायदे के हसूल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उलमा वो पैसों वाला फ़ायदे को कुर्बान कर देते हैं, वो थोड़े पे गुजारा करते हैं, वो छोटी चीज़ों पे गुजारा कर लेते हैं, लेकिन इन चीज़ों की उनके यहाँ कोई अहमियत नहीं होती। तो अभी यूसुफ रह, ये आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि ताकि आप अपने बच्चों को उलमा बनाएं, ये बात जहन से निकाल दें कि वो खाएंगे पिएंगे कहाँ से, अल्लाह इतने मज़े करवाएगा कि नस्लें याद रखेंगी। इमाम अबी यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह धोबी के बेटे, धोबी के बाप का इंतकाल हो गया, माँ धोबी के पास छोड़ कर आई। ये धोबी के पास जाते एक दो दिन गए, रास्ते इमाम आज़म अबू हनीफा के दर्स लगता था, ये वहाँ जाकर बैठ गए, सीखते रहते सीखते रहते। अबू हनीफा को भी पता चला कि बच्चा बड़ा काबिल है, कीमती है और इसे पढ़ाना है। माँ रोज़ाना पूछती, बेटे पैसे नहीं लेकर आए? ये कहते पैसे कोई नहीं मिले, जमा हो रहे हैं। माँ फिर पूछती, बेटा पैसे नहीं लेकर आया? ये कहते अम्मा जान पैसे कोई नहीं मिले, सब जमा हो रहे हैं। माँ को बड़ा गुस्सा आया कि धोबी क्या करता है, इसको पैसे क्यों नहीं देता। माँ इनके पीछे पीछे धोबी के पास चली गई कि भाई मेरे बेटे को पैसे क्यों नहीं देते हो। धोबी कहने लगा वो आएगा तो पैसे दूंगा ना। तो माँ ने कहा आता नहीं है? कहा नहीं, वो तो नहीं आता तुम्हारा बेटा। माँ बड़ी परेशान, कहाँ चला जाता है। माँ ने तलाश किया तो जाके देखा कि अबू हनीफा के मजलिस में दर्स में बैठा हुआ है। माँ ने दूर से कहा कि अबू हनीफा आप सठिया गए हैं,
आलिम बनना मालदार लोगों का काम है। उस ज़माने में मालदार लोग आलिम बना करते थे, गरीब नहीं बन सकता था। कि आलिम बनने पर लाखों रुपए लगते थे, एक एक हदीस के लिए शहरों का मुल्कों का सफ़र करना पड़ता था। तो बुढ़िया कहने लगी कि अबू हनीफा आप सठिया गए, मेरे बच्चे को कहाँ लगा दिया, इसको धोबी बनने दें, कुछ पैसे तो लेकर आएगा। आलिम बनना तो मालदारों का काम है, इसके पास तो पैसे खाने को नहीं है। अबू हनीफा ने कहा अम्मा तू सठिया गई है, एक दिन आएगा तेरा ये बेटा रोगन पिस्ता का बना फालूदा खाया करेगा। उस ज़माने में ये सबसे कीमती डिश थी, रोगन पिस्ता का बना फालूदा। तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उस ख़ानदान का सारा खर्च अपने ज़िम्मे ले लिया, अपने ज़िम्मे बांध लिया और बच्चे को पढ़ाया पढ़ाया। ये बच्चा मेहनत के साथ आलिम बना। फिर क्या हुआ, इस बच्चे ने जब इल्म हासिल कर लिया, आलिम बना, इनकी गली में एक ईसाई का घर था जिसने गली में तजावुज़ करके अपनी दहलीज आगे को बढ़ा ली। जैसे हमारे यहाँ होता है, अपने घरों की दहलीजें गलियों में ले आते हैं, गली का घर का पानी भी गली में और घर का कचरा भी गली में। याद रखें यह इज़ाए मुस्लिम है और यह हराम है। अगर आपके गंदे पानी की वजह से किसी के कपड़े ख़राब हुए, वो क़यामत के दिन मुकदमा करेगा, या अल्लाह मैं तो तकरीब में जा रहा था, इसके पानी के छींटों ने मेरे कपड़ों को ख़राब किया, मुझे बदला दिलवा। या अल्लाह मैं तो नमाज़ पढ़ने जा रहा था, इसके गंदे पानी ने मेरे कपड़े ख़राब कर दिए, मुझे बदला दिलवा। वहाँ नमाज़ें रोज़े देकर जान छूटेगी, वैसे जान नहीं छूटेगी। तो नाजायज़ तजावुज़ात ना करें, शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम ना करें, अपने घरों में नकासी का इंतज़ाम करें कि घर का पानी घर में रहे, गली में ना जाए, ताकि किसी को नुकसान ना हो, किसी को तकलीफ़ ना हो, कोई हमें गालियां देकर ना जाए। यकीन जानने वो घर वाले जो अपना कचरा पानी गली में गिराते हैं, लोग उनको गालियां देकर बददुआएं देकर जाते हैं। आम तौर पे बुरा भला क्या, कैसे इनको समझ नहीं है, अकल नहीं है, कैसे बुरे बदबख्त लोग हैं ये, कह के आम तौर पर ताने दे के चले जाते हैं। तो सबब कौन बना, वो घर वाले बने कि अपने घरों में पानी के निकालने के इंतज़ाम नहीं कर सके, लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। तो उस ईसाई ने भी ये किया हुआ था, घर की दहलीज आके निकाली। अब यूसुफ कहने लगे कि अल्लाह के बंदे अपनी दहलीज अंदर कर लो। उसने ताना देकर कहा ओए गरीब आदमी, तेरी यहाँ से कोई भग्गी गुजरनी है कि तेरी सवारी नहीं गुजरना जो मैं अंदर को कर लूँ, अंदर को कर लूँ। अब यूसुफ बेचारे खामोश हो गए। इधर हारून रशीद का ज़माना था। हारून रशीद ने क्या किया, वो ज़ुबैदा खातून के साथ बैठा हुआ था। ये बादशाह भी अजीब हरकतें करते थे। हारून ने ज़ुबैदा खातून को देखकर कहा अगर आज की रात तू मेरी सल्तनत से बाहर ना निकल सकी तो तुझे तीन तलाक़ें हैं। हारून की सल्तनत तीन बर्र आज़मों पर मुहीत थी। अब कह तो बैठा, जब फतवा लिया तो सब उलमा ने कहा कि तलाक़ें हो गईं, तलाक़ें पड़ जाएंगी, तलाक़ें हो गईं। कि घोड़ा सबसे तेज़ रफ्तार सवारी है, जहाज़ तो थे नहीं, और घोड़े पर बैठकर ये आज की रात तुम्हारी सल्तनत से नहीं निकल सकती कि बगदाद से हिंदुस्तान में उसकी सल्तनत थी। तो सब ने फतवा दिया कि तलाक़ हो गई। मजलिस में किसी ने कहा अबू हनीफा के शागिर्द को बुलाओ, वो इस मसले को हल करेगा, वो इस मसले को हल करेगा। देखें अल्लाह भी तदबीर कर रहा होता है ना। अभी यूसुफ की माँ ने तो आलिम बना दिया, ये पढ़ लिख गया, ऊपर वाला भी तो देख रहा है, वो भी तो देख रहा है किसने कुर्बानियाँ दी हैं, किस माँ बाप ने बच्चों के लिए कुर्बानियाँ देकर पढ़ाया है, वो भी देख, वो बदला भी देना चाहता, दुनिया में देता है। तो अल्लाह ने अपनी तदबीर क्या चलाई, उन लोगों के जहन में हारून की ज़ुबान से ये कहलवाया कि अपनी बीवी को ये अल्फाज हो, ये अल्लाह करवा रहा है ताकि तुम उस बंदे तक पहुंच जाओ जिसे मैंने अब कामयाब करना है, इज्जत देनी है। तो हारून के कहा कि अबू हनीफा के शागिर्द को तलाश करो। उसके फौजी तलाश करने गए तो पता चला इस मोहल्ले में अबू हनीफा का एक शागिर्द है जिसका नाम अबू यूसुफ है। लोग उसको पकड़ के ले आए, दरबार के अंदर सन्नाटा छाया हुआ है, लोग परेशान हैं। अबू यूसुफ ने पूछा बादशाह सलामत क्यों परेशान है। बादशाह ने कहा परेशान क्यों ना हो, मेरी बीवी को तीन तलाक़ें हो गई हैं। कहा क्यों, कहा मैंने बीवी से कह दिया अगर तू मेरी सल्तनत से ना निकली तुझे तीन तलाक़ें हैं, मेरी सल्तनत तो तीन बर्र आज़मों पर है, आज मेरी महबूब बीवी मुझसे अलग हो जाएगी। तो अबू यूसुफ कहने लगी तो मसला ही कोई नहीं है, परेशानी वाली बात ही कोई नहीं है। कहा क्यों, कहा ऐसा करो
ज़ुबैदा खातून को रात मस्जिद में गुजरवाओ कि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहे हैं कि मैं बंदों को अपनी जगह का ज़मीन का वारिस बनाता हूँ लेकिन मस्जिद का मैं किसी को वारिस नहीं बनाता, मस्जिद मेरी मिल्कियत है, मस्जिद किसी की मिल्कियत में नहीं जाती। होगा हारून तीन बर आज़मों का बादशाह, होगी हारून की हकूमत दरियाओं पर समुंदरों पर, लेकिन मस्जिद किसी की मिल्कियत नहीं है। वअन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिद खास अल्लाह की मिल्कियत है, हारून की नहीं है। जब लोगों ने यह जवाब सुना बेहतरीन इस्तिदलाल, तो सब ने कहा कि हाँ ज़ुबैदा खातून रात मस्जिद में गुजारे तलाक से बच जाएगी, तलाक से बच जाएगी कि मस्जिद अल्लाह की मिल्कियत है, इंसानों की नहीं है। जब हारून ने यह सुना कि उलमा ने भी इत्तिफाक कर लिया, बड़ा खुश हुआ, तो हारून ने ऐलान किया इस लड़के को, अब यूसुफ को मेरे तीन बर्र आज़मों का चीफ जस्टिस बना दिया जाए, काजी कुजात। और क्या कहा, अब यूसुफ को कहा कि मेरी जाती भग्गी में बिठा के इनको इनके घर छोड़ा जाए। अब बादशाह की भग्गी में पचासियों लोग आगे चलते थे, पचासियों पीछे, खूबसूरत कीमती घोड़े। बादशाह की भग्गी में बैठ के जब अब यूसुफ जा रहे हैं, धोबी का बेटा ये जब जा रहा है, तो रास्ते में लोग दाएं बाएं क्या कर रहे हैं, इनको सलामियां दे रहे हैं। और जब ये अपने मोहल्ले में पहुंचे हैं, तो वहाँ पर भी सारे मोहल्ले वाले निकल आए कि बादशाह की भग्गी हमारे मोहल्ले में, बादशाह की सवारी हमारी गली में। तो वो जो था ना, वो ईसाई जो इनको ताना देता था कि तेरी भग्गी गुजरनी है, वो भी खड़ा हुआ था वहाँ पे देखने के लिए कि ये बादशाह की सवारी आ गई। तो अभी यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी भग्गी का पर्दा उठा के कहा, अल्लाह के बंदे अब तो मेरी सवारी आ गई, अब तो अपनी दहलीज अंदर को कर लो। अल्लाह फिर ये इज्जतें देता है, इनको सारी दुनिया का चीफ जस्टिस बना दिया, इतना बड़ा आदमी बना दिया। और एक दिन हारून के साथ बैठ के खाना खा रहे थे, तो बाद में कोई बड़ी कीम मज़ेदार स्वीट डिश आई, ये हारून रशीद भी खा रहा है। अब यूसुफ ने भी जब खाना शुरू की तो बड़ी तारीफ़ की और कहा, बादशाह सलामत ये क्या है। हारून कहने लगा, ये रोगन पिस्ता का बना फालूदा है जो हमें भी कभी कभी मिलता है। अब यूसुफ हंस पड़े, बादशाह ने कहा, क्यों हंस रहे हो। अभी यूसुफ कहने लगे कि इस वजह से हंस रहा हूँ कि रहीम अल्लाह अबा हनीफा, मुझे अपने उस्ताद अबू हनीफा की बात याद आ गई, उन्होंने मेरी माँ से मेरे बचपन में कहा था, एक दिन आएगा तुम्हारा ये बेटा रोगन पिस्ता का बना फालूदा खाया करेगा, आज अल्लाह ने मुझे रोगन पिस्ता का बना फालूदा भी खिला दिया। ये क्या है, ये अल्लाह का वादा, इन्नल्लाह यरफ़ाउ बिहादल किताबी अकवामन व यदाउ बिही आखरीन, अल्लाह ताला इस कुरान के ज़रिए लोगों को इज़्ज़त देगा, ना पढ़ने वालों को, अमल करने वालों को जलील कर देगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अपने ख़ानदान की करीम काबिल बच्चे को आलिम बनाए। वो बच्चा जब आलिम बनेगा, ना दबेगा, ना बिकेगा, ना झुकेगा, सारे ख़ानदान का नाम दुनिया में भी इज्जत से रोशन करवाएगा, और हशर के मैदान में तो इंशाल्लाह वो मज़े करवाएगा, वो मज़े करवाएगा कि किसी और के वो मज़े हो ही नहीं सकते। अल्लाह उसको जो जन्नत देगा, उसके माँ बाप को भी उसकी जन्नत में ले जाएगा। माँ बाप अपने अमल की वजह से पाँचवें दर्जे के हकदार होंगे, लेकिन जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को हाफिज आलिम बनाया, अल्लाह ताला बेटे के अमल की वजह से, बेटियों के अमल की वजह से माँ बाप को भी 6000वें फ्लोर में ले जाएगा। इतने मज़े होंगे, और वो जन्नत क्या है, वहाँ अल्लाह रोज़ाना अपना दीदार करवाएगा, वहाँ औरतें हज़रत आयशा हज़रत फ़ातिमा की पड़ोसी होंगी, वहाँ मर्द वो आप अली सलात व सलाम के पड़ोसी होंगे, वहाँ आप अली सलात व सलाम की बैठक और मजलिस नसीब हुआ करेंगे। ये वो ऊंची और आला शान जन्नत हैं, तो अल्लाह ये मज़े करवाएगा। तो एक तो मेरी गुजारिश ये है कि आप माशाल्लाह एक अच्छा मजमा है, अच्छे घरों से हैं, नीयत करें कि अपने बच्चों को हम आलिम बनाएंगे, मुफ्ती बनाएंगे, लेकिन मेहनत के साथ, खानापूरी वाला नहीं, बरकत वाला नहीं, जिम्मेदारी वाला, कि ये अपने मुल्क के लिए काम करे, मुसलमानों के लिए काम करे, इस्लाम के लिए काम करे, ये अल्लाह के बंदों को अल्लाह के साथ जोड़ने का काम करे। इन चीज़ों में जहन को रख के आलिम बनाना है। फिर एक मुख्तसर सी चीज़ और जिक्र करते हैं, फिर दुआ कर लेते हैं। वो ये है कि हर चीज़ के हुकूक हैं, हर चीज़ के हुकूक हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का हक, माँ बाप का हक है, औलाद का हक है, मियाँ बीवी का हक है, रिश्तेदारों का हक है, पड़ोसियों का हक है, दोस्तों का हक है,
अल्लाह के नबी का हक है, अल्लाह का हक है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने कुरान करीम के भी पांच हुकूक बताए हैं। ये बात आपने याद रखनी है, हमें ये हुकूक अदा करने पड़ेंगे, करेंगे तो जान छूटेगी, नहीं करेंगे तो जान छूटने वाली नहीं है। वो पांच हुकूक क्या हैं? नंबर एक, कुरान करीम पर ईमान लाना कुरान करीम का हक है। नंबर दो, कुरान करीम को पढ़ना कुरान करीम का हक है। नंबर तीन, कुरान करीम को समझना कुरान करीम का हक है। नंबर चार, कुरान करीम पर अमल करना कुरान करीम का हक है। नंबर पाँच, कुरान करीम को आगे दूसरों तक पहुंचाना यह कुरान करीम का हक है। अब मैं और आप देखें कितने हुकूक अदा करते हैं। हम कुरान करीम पर ईमान तो ले आए हैं, सब चीज़ों पर ईमान लाएं, जिन चीज़ों को देखा नहीं देखा हम ईमान लेकर आएं। अल्लाह ने कुरान में कहा जन्नत है, हमने कहा अल्लाह नहीं देखी ईमान लेकर आते हैं। जहन्नम है या अल्लाह नहीं देखी ईमान लेकर आते हैं। मेरे नबी ने चांद के दो टुकड़े कर दिए, हमने कहा अल्लाह हमने नहीं देखा ईमान लेकर आते हैं। मेरे नबी के लिए दरख्त ज़मीन का सीना चीर कर आया, या अल्लाह हमने नहीं देखा ईमान लेकर आते हैं। बदर में फरिश्ते ज़मीन पर उतर कर लड़े हैं, या अल्लाह हमने नहीं देखा ईमान लेकर आते हैं। और अहद खंदक में फरिश्तों ने खेमे उखाड़े हैं, हमने कहा अल्लाह नहीं देखा ईमान लेकर आते हैं। अल्लाह ने हजरत आदम को सुनाया, हमने कहा अल्लाह नहीं देखा ईमान लेकर आते हैं। हज़रत मूसा ईसा का बताया, हमने कहा अल्लाह नहीं देखा ईमान लेकर आते हैं, बिन देखे ईमान लेकर आए। और हमारे लिए खुशखबरी भी है, अल्लाह ने अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा तूबा लिमन आमना वरआनी मर्रतन, जिसने मुझे देखा ईमान लेकर आया उसके लिए एक मर्तबा की खुशखबरी है। और क्या कहा? तूबा 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 तूबा, सात मर्तबा खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे नहीं देखा ईमान लेकर आए हैं। हम लोगों को अल्लाह के नबी सात दफ़ा खुशखबरी सुना रहे हैं, सात दफ़ा। तो एक तो कुरान पर ईमान लाना, नंबर दो कुरान को पढ़ना और सही पढ़ना, ये अलग से हक है। हम बड़ी गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं? देखें आपको दो तीन मिसालें देता हूं। हम पढ़ते हैं सूरतुल फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हा के साथ मतलब है तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। और अगर किसी ने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हा के साथ लहोरी हा, मतलब बनेगा तमाम अमवात अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह ही मरेगा और कोई नहीं मरेगा। कितना मतलब बिगड़ गया। और हम में से औरतें भी पढ़ती हैं, मर्द भी, अल्हम्दुलिल्लाह ही, मतलब बिगड़ गया। अच्छा, किसी ने पढ़ आगे चल के कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा ताबुदून, लाम के बाद अलिफ है, मतलब अलिफ मिलाया तो सही है, क्या बनेगा? ए नबी जी, काफरों से कह दीजिए जिन बुतों की तुम इबादत करते हो, मैं अल्लाह के नबी उन बुतों की इबादत नहीं करता, मतलब ठीक है। लेकिन अगर किसी ने पढ़ा, अगर किसी ने पढ़ा कुल या अय्युहल काफिरून लाअबुदु मा ताबुदून, ए नबी जी काफरों से कह दीजिए, लाम के बाद अलिफ नहीं पढ़ा, लंबा नहीं किया, मतलब बनेगा नबी जी काफरों से कह दीजिए जिन बुतों की तुम इबादत करते हो, मैं अल्लाह के नबी भी उन्हीं बुतों की इबादत करता हूँ। कलिमा शिर्क बोल दिया, काफ के बजाय काफ पढ़ दिया, काफ के बजाय काफ पढ़ा, फ़र्क नहीं किया। क्या पढ़ा? नज़ला अला कल्बिका, काफ का मतलब है हमने कुरान को आपके दिल पर उतारा है। अगर किसी ने पढ़ा नज़ला अला कल्बिका काफ के साथ, मतलब बनेगा ए नबी जी हमने कुरान को आपके कुत्ते पर उतार दिया, कितना मतलब बिगड़ गया, नमाज टूट गई। ऐसे लोगों के बारे में मेरे नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत में बाज़ वो लोग होंगे जो 60 साल तक नमाजें पढ़ेंगे, अल्लाह के यहाँ एक नमाज भी कबूल नहीं होगी, मुंह पे दे के मार दी जाती है। या रसूलुल्लाह क्यों? नबी ने फरमाया कि रुकू ठीक नहीं होगा, सजदा ठीक नहीं होगा, किरात ठीक नहीं होगी, क़याम ठीक नहीं होगा। तो गुजारिश है कि ये सीख लें, इतनी तजवीद सीख लें कि आपके सुबहानक अल्लाह से ले के सलाम तक सारी नमाज तो दुरुस्त हो जाए। वो किसी को सुना दें, औरतें किसी कारिया को सुनाएं, मर्द किसी कारी साहब को सुना के दुरुस्त कर लें। वो सूरतें जो आप नमाजों में पढ़ते हैं या पढ़ती हैं, आखिरी 10-12 सूरतें, वो किसी को सुना कर दुरुस्त कर लें ताकि गलतियाँ निकल जाएँ और नमाज दुरुस्त हो जाए।
नमाज दुरुस्त हो जाए। तो कम अज़ कम मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आज के सबक से हम ये लें कि अपनी नमाज दुरुस्त कर लें, अपनी किरात ठीक करके अपनी मर्द मर्दों को सुनाएं, औरतें औरतों को सुना कर दुरुस्त कर लें। इंशाल्लाह हमने यहाँ पर यह अहतमाम किया हुआ है, हमारे यहाँ पर कारी साहिबान भी हैं तजवीज़ सिखाने के लिए और कारियाँ भी हैं। जो औरतें ईद के बाद आप अपनी तरतीब बनाएं, दिन में आएं, दोपहर को आएं, इंशाल्लाह आपको सिखाने के लिए यहाँ पर कारियाँ मौजूद हैं जो आपको बेहतरीन तजवीद और किरात सिखा देंगी। मर्द हजरात के लिए कारी साहिबान मौजूद हैं, आएं उनको इंशाल्लाह वो तजवीद सिखा देंगे, सारी नमाज दुरुस्त करवा देंगे। तो ये तजवीद के साथ पढ़ना कि जिससे नमाज ठीक हो जाए, ये हक है हक। और नंबर तीन हक कुरान करीम को समझना। अल्लाहु अकबर, इसमें तो हम बिल्कुल ही ज़ीरो हैं, हमें पता नहीं है कि सुबहानक अल्लाह का तर्जुमा क्या है, सुबहान रब्बी अलअज़ीम का तर्जुमा क्या है, हमें सूरह फातिहा का नहीं पता। अगर पता चल जाए अल्लाह की कसम नमाज में मज़ा आ जाए, मज़ा आ जाए। जब इंसान कहता है ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की तरफ से जब नमाज में जवाब आता है, हमने ये जवाब सुनने की कभी कोशिश ही नहीं की, हमने इस जवाब की तरफ कान नहीं लगाए। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह कहते हैं फरिश्तों से फ़ख्र करके हमीदनी अब्दी, देखो देखो मेरे बंदों ने मेरी तारीफ़ की। जब इंसान कहता है अर्रहमान अर्रहीम, या अल्लाह तो रहमान भी है रहीम भी, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है असना अली अब्दी, देखो मेरा बंदा मेरी शान बयान कर रहा है। जब हम कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, या अल्लाह तो क़यामत के दिन का मालिक है, अल्लाह कहता है मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदों ने मेरी बुजुर्गी बयान की। जब हम कहते हैं इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, आखिर तक दुआ मांगते हैं, अल्लाह कहता है हाज़ा बैनी व बैन अब्दी व ली अब्दी मा सअल, ये मेरे और मेरे बंदों के बीच में राज की बात है, जो मेरे बंदे मांगेंगे मैं उन्हें अता करूँगा। हमने कभी मज़े ही नहीं लिए इसका, समझे ही नहीं। नमाज को समझ के, सूरह फलक नास को समझ के पढ़ लेना और इसका मफहूम जहन में रख के कि अल्लाह ताला ने शयातीन इंसानों के वसवसे के छुटकारे के लिए उतारी, हमें पढ़ने में मज़ा आएगा, पढ़ने का जी करेगा, दिल चाहेगा। तो समझ के पढ़ें, जितना पढ़ें समझे कुरान करीम को। अल्लाह माफ़ फरमाए हमें, ना सुनाने वाले को पता होता ना सुनने वाले को। अगर कुरान समझ के पढ़ेंगे तो रोज़ाना जो तिलावत करेंगे कुरान रोकेगा कि आपने बीबी सुबह तिलावत की थी, गीबत के अल्लाह ने मना किया था, गीबत ना करो, कुरान आके रोकेगा। चुगली करने लगेंगे कुरान आके रोकेगा कि सुबह तिलावत की थी चुगली ना करो। हसद करने लगेंगे कुरान की आयत आके रोकेगी कि सुबह तिलावत की थी हसद ना करो। लेकिन हमें पता ही नहीं है, जन्नत भी पढ़ जाते हैं जहन्नम भी, ना जन्नत पढ़ के शौक पैदा होता है ना जहन्नम पढ़ के खौफ पैदा होता है। तो क्या फ़ायदा हमारी इस तिलावत का, सिवाय सवाब के कुछ भी नहीं मिलता। जुनैद बगदादी डाकू थे, डाका डालने जा रहे थे, डाका डालते डालते जब काफ़िले में पहुंचे तो काफ़िले में कारी साहब तिलावत कर रहे थे अलम यानी लिल्लज़ीन आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों पर वो वक्त नहीं आया कि उनका दिल अल्लाह के खौफ से कांप जाए, अल्लाह के खौफ से कांप जाए। अब जुनैद बगदादी को तर्जुमा आता था, कहने लगे आन अल्लाह, या अल्लाह वो वक्त आ गया कि मेरा दिल तेरे खौफ से कांप जाए, अल्लाह मैंने तौबा कर ली। डाके से तौबा के अल्लाह ने जुनैद बगदादी बना दिया। तो उनको समझ आती थी, पता था क्या चल रहा है कुरान में, हमें समझ नहीं आती। तो मेरी गुजारिश है आपसे, आप कुरान को तर्जुमे के साथ तशरीह के साथ पढ़ना सीखें, ये इसका हक है। समझेंगे तो पता चलेगा कुरान में कितने अहकाम हैं, उन अहकाम पर अमल करेंगे। पता ही ना चले कुरान में क्या है तो अमल कैसे करेंगे। तो कुरान को समझने की तरफ आएँ। इंशाल्लाह समझने के लिए भी हम अपने यहाँ ईद के बाद तफसीर का मुसलसल क्लास शुरू कर रहे हैं, मुसलसल क्लास कर रहे हैं। तो उसमें आप राबता करें, शिरकत करें, आधे घंटे के लिए आ जाएँ, 10-15 मिनट के लिए आ जाएँ। रोज़ाना 15 मिनट की क्लास रख के दो दो आयतें तफसीर की पढ़ाना, समझाना, तर्जुमा बताना शुरू कर देंगे। 5-7 साल लगेंगे इंशाल्लाह, सारे कुरान की तफसीर हो जाएगी। चले सारे की ना हो, थोड़े की हो जाए, कुछ अहकाम पता चल जाएंगे, बहुत सारे मसाइल का इल्म हो जाएगा, पता तो चले कि हो क्या रहा है।
तो उस कुरान को समझना उसका हक है, और इंशाल्लाह हम अपने इस मदरसा में इस हक की अदायगी के लिए पूरा प्लेटफॉर्म आप लोगों को मुहैया करेंगे। मर्द भी पढ़ें, औरतें भी पढ़ें, इंशाल्लाह यहाँ पर तरतीब बना के आपके लिए हम ये पूरा एक माहौल, एक प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे कि आकर तफसीर पढ़ें, तर्जुमा पढ़ें, कुरान की आकर अहकाम और आयात को सीखें। और कुरान करीम का चौथा हक अमल करना है। जाहिर है कि अमल तो वही करेगा जिसे इनके अहकाम का पता होगा, जिसे हुक्म ही नहीं पता वो अमल कैसे करेगा। और पांचवा हक कुरान करीम की तालीमात को आगे दूसरों तक पहुंचाना, तो ये हम सब की जिम्मेदारियां हैं। तो मैं भी नियत करता हूं, आप भी नियत करें, इंशाल्लाह कुरान करीम के इन पाँच हकों को अदा करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अब एक दो ऐलान जिक्र कर देता हूँ, फिर दुआ कर लेता। ऐलान ये है कि आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर ये मदरसा बनाया है, और ये मदरसा बच्चों के लिए है, बच्चियों के लिए है, ख़वातीन के लिए है। ये बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, ख़वातीन के, बच्चे भी हिफ्स के लिए आते हैं, बच्चियाँ भी हिफ्स के लिए आती हैं, ख़वातीन भी तर्जुमे तफसीर या किरात के लिए वो अल्हम्दुलिल्लाह आती हैं। और ईद के बाद तुम ख़वातीन के लिए मुसलसल और मुस्तकिल इंतज़ाम कर लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बच्चों बच्चियों के लिए आम रिवायत मदरसे की तरह नहीं, यहाँ अच्छे कारी साहिबान रखे हैं। अल्लाह ने बड़ा फ़जल फरमाया कि छः महीने में अल्लाह ताला ने कि इतना तकरीबन 50 बच्चे बच्चियां हमारे पास आ चुके हैं। तो अब हमारा ये है कि हम अच्छे बच्चे रखें, अच्छी बच्चियां रखें, जो मुस्तकबिल में जाकर किरदार अदा कर सके। बरकत वाला काम नहीं है, सबाब वाला काम नहीं है। हम यहाँ पे बच्चों और बच्चियों को लीडर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि माशरे में, ख़ानदान में जाएं, वो एक आला पाए के आलिम बने, हाफिज बने, और किरदार अदा करें, अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें, सही इस्लाम लोगों को पहुँचाएँ और बताएँ। तो उसके लिए गुजारिश ये है कि अपने घर के बच्चों और बच्चियों को जो काबिल हैं उनको हमारे यहाँ कुरान करीम हिफ्ज़ के लिए भेजें। इंशाल्लाह आप अच्छी प्रोडक्ट हमें देंगे, हम अच्छा मटेरियल आपको देंगे। इंशाल्लाह आप हमारे पास अच्छे बच्चे बच्चियाँ लेकर आएँ, हम उन्हें बहुत काबिल और इंशाल्लाह बेहतरीन हाफिज़ बना के आपको देंगे। अल्लाह का फजल, अभी हमारे यहाँ दो बच्चों ने हिफ्ज़ कर लिया है, दो बच्चों की तकरीब हम ईद के बाद करेंगे, दो बच्चों ने हिफ्ज़ कर लिया है। तो अच्छे अच्छे बच्चे भेजें ताकि अच्छा सा वो काम हो सके और अच्छी जिम्मेदारी हो सके। और दूसरा यह कि मदरसा है, और आपको पता है कि मदरसे तो चलते ही ताबून से हैं, तो अपना ताबून भी मदरसों के साथ जारी रखें। और अल्लाह जजाए खैर दें उन लोगों को और ख़वातीन को जो अपना ताबून जारी रखे हुए हैं और जिनके ताबून से हमारा ये मदरसा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने एक अच्छा माहौल, आप देखें जितने कमरे हैं सब में एसी लगा हुआ है, बच्चों के लिए एसी चलाया जाता है, फ़िल्टर वाला पानी है, साफ़ सुथरा माहौल है, अच्छा असातिज़ा हैं, ऊपर भी जो है जो बच्चियों की क्लास है वहाँ भी एसी लगा हुआ है। तो हमने ये सारी ज़रूरतें अच्छे एक इन्वायरमेंट के अंदर, अच्छे माहौल में पूरी करने की कोशिश की है। तो इसके लिए आपसे गुजारिश है कि अपने ताबून को भी जो है मदरसे के साथ जारी रखें, जिस तरह सभी हो। और तीसरी गुजारिश ये है कि ईद के बाद जो इनसे ज़्यादा हैं मैं, इंशाल्लाह हम ख़वातीन के लिए एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं सीरत का। अब देखें 35 दिनों में मैंने कुरान की तफसीर सुनाई है, 1.5 घंटा वक्त होता था, मोटी मोटी बातें बताई हैं, कुछ अहकामात, सारी चीज़ें जिक्र नहीं हो सकती, तो सारी चीज़ों के लिए एक उम्र चाहिए। तो ईद के बाद इंशाल्लाह हफ्ते में एक दिन आप तय कर लें, बल्कि अभी मशवरा करें आप बैठ के कि हम कौन सा दिन तय करें, हफ्ते का या इतवार का। आप आधे घंटे के लिए, 40 मिनट के लिए तशरीफ़ लाएं, उसमें मैं आपको सारी ज़िंदगी की तरतीब बताऊंगा। मेरे नबी का बचपन कैसा था, जवानी कैसी थी, बुढ़ापा कैसा था, मेरे नबी की इबादत कैसे थी, मेरे नबी के मामलात कैसे थे, मेरे नबी के अखलाकियात कैसे थे, मेरे नबी की माशरत कैसी थी, मेरे नबी की खुशियां कैसे थी, मेरे नबी के गम कैसे थे, मेरे नबी की सारी ज़िंदगी जो थी वो मैं आपको बताऊँगा, सारी ज़िंदगी। तो वो तो ज़ाहिर है सीखने से पता चलेगी, तो उसके लिए गुजारिश ये है कि आप अभी मशवरा कर लें कि ईद के एक दो हफ्ते के बाद इंशाल्लाह जब हालात ठीक हो जाएं थोड़े से, अल्लाह हमारी इस मर्ज़ से जान छुड़ाए, तो इंशाल्लाह यहाँ पर फिर हर हफ्ते हम एक प्रोग्राम रखा करेंगे ख़वातीन के लिए कि उसमें उनकी तरबियत की जाए, उनका सारा दिन बताया जाए, वर्कशॉप। तो इसके लिए आप हज़रात ने मशवरा कर लेना और मुझे बता देना कि हम कौन सा दिन रखें। बाकी किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें,
कोई थोड़ा सा मशवरा भी कर लें, फिर इंशाल्लाह हम दुआ कर लेते हैं। इसके लिए हमने ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं, ख़वातीन ने जो वो ग्रुप बनाए हुए हैं, ख़वातीन का ग्रुप है, ख़वातीन उसे चलाती हैं, उसमें सवाल जवाब भी ख़वातीन के आते रहते हैं, अवान टाउन की ख़वातीन हैं। तो आप जो हैं वो एक ग्रुप, आप जो हैं ये ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, जिनके नंबर नहीं हैं वो अपने नंबर का उसमें इंदराज भी करवा दें, और जो है ये ले लें, ताकि उन तक जब यहाँ पर प्रोग्राम हुआ करे किसी दर्स के हवाले से इत्तला भी हो जाए, और ख़वातीन को हम वक्तन फ़वक्तन मसाइल के हवाले से, उनकी चीज़ों के हवाले से मसाइल भी उसके अंदर पेश आते रहें, मसाइल भी अपनी ख़वातीन हर किस्म के उसके अंदर पूछ सकती हैं, उनका जवाब भी वो कुरान व अहादीस की रोशनी में दे दिया जाता है। तो थोड़ा सा टाइम आपको 5-7 मिनट हम देते हैं, उसमें अपने वो नंबर भी ग्रुप के लिए इंदराज करवा दें, राबता नंबर, और मशवरा भी कर लें बराए मेहरबानी कि हम ईद के बाद कौन सा दिन रखें कि जिसमें जमा होना आसान हो और हमारी तरबियत और इस्लाह होती रहे। चलें जी दुआ कर लें। दुआ के लिए जो शर्त है वो ना अल्फाज अहम हैं, ना वो हैयत अहम है, कैफियत अहम है। हम कैफियत के साथ दुआ मांगेंगे, अल्लाह ताला हमारी दुआओं के इंशाल्लाह कबूल फरमाएंगे। अब वो सारे लोग कुर्बानी देकर आए हैं, रोज़े की हालत आलम में है, पता नहीं कौन सा ऐसा बंदा हो, अल्लाह ताला उसकी लाज रख कर हम सब की दुआओं को कबूल फरमा लें। तो हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله हम सबका यहाँ मिल बैठना पढ़ना पढ़ाना कबूल फरमा। يا الله हम तुझे राज़ी करने के लिए जमा हुए थे, يا الله हम सबको अपनी रज़ा नसीब फरमा, يا الله हम सबको अपने ذات عالی کا تعلق نصیب فرما, يا الله अपनी محبت نصیب فرما, या अल्लाह अपनी मुलाकात का शौक नसीब फरमा, या अल्लाह अपनी मुलाकात का शौक नसीब फरमा, या अल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामिल इत्तिबा और मोहब्बत नसीब फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम, हमने हर एक को राज़ी करने की कोशिश करी, हमने अपने घर में अपने घर वालों को राज़ी करने की कोशिश की, या अल्लाह अपने पड़ोसियों को राज़ी करने की कोशिश की, रिश्तेदारों को राज़ी करने की कोशिश की, या अल्लाह पर कभी तुझे राज़ी करने की कोशिश नहीं करी, कभी तुझसे मोहब्बत बढ़ाने की कोशिश नहीं करी। या अल्लाह हमारे इस जुर्म और गुनाह को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारे इस जुर्म और गुनाह को माफ़ फरमा, या अल्लाह हम सबको अपनी मोहब्बत नसीब फरमा, या अल्लाह अपनी मुलाकात का शौक नसीब फरमा, या अल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा और मोहब्बत नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे नबी ने हमारे लिए सब कुछ किया, हमारे नबी ने हमारे लिए सब कुर्बानियाँ दी, 6-6 घंटे हमारे लिए दुआएँ की, और हम आप अलैहिस्सलाम के लिए सुन्नतें नहीं अपना सकते, अपनी नबी की सुन्नतों को फॉलो नहीं करते। या अल्लाह बिदात रसूमात और रिवाज पर अमल करके या अल्लाह हम सुन्नतों को छोड़ देते हैं। या अल्लाह हमारे इस गुनाह को माफ़ फरमा, हमारे इस गुनाह को माफ़ फरमा। या अल्लाह जितने मुसलमान परेशान हाल हैं, जिस किस्म की परेशानी में मुबतला हैं, या अल्लाह हर हर मुसलमान की छोटी बड़ी परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह हमारे दुखों को सुख में तब्दील फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में तब्दील फरमा। या अल्लाह हमारे गमों को खुशियों में तब्दील फरमा, हमारी बेबसी बेचैनी बेकरारी को सुकून इत्मीनान में तब्दील फरमा। या अल्लाह जो हम में से मकरूज हैं उनके कर्ज़ों की अदायगी की सूरत पैदा फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल हैं उनके परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जो रिस्क के हवाले से परेशान हैं, जो मर्द औरतें बच्चे बूढ़े जो भी माँ बाप, या अल्लाह बेरोज़गारों को हलाल पाकीज़ा तैयब रोज़गार अता फरमा। या अल्लाह बेरोज़गारों को हलाल पाकीज़ा तैयब रोज़गार अता फरमा। या अल्लाह जो बरसरे रोज़गार हैं उनके रिस्क को बढ़ा, हलाल वसत फरावानी आसानी के साथ अता फरमा। या अल्लाह हमें रिस्क हलाल इतना दे के हराम से बच जाएँ। या अल्लाह रिस्क हलाल इतना दे के हराम से बच जाएँ। या अल्लाह हलाल इतना दे के हराम की तरफ नज़र निगाहें ना जाएँ। या अल्लाह हलाल इतना अता फरमा कि हराम की तरफ नज़र ही ना जाएँ। या अल्लाह बच्चों बच्चियों को जोड़ के रिश्ते आते
अता फरमा। अल्लाह जो बच्चियाँ अपने घरों में चली गई हैं अपने घरों में चैन सुकून अता फरमा। या अल्लाह हमारे ससुराल वालों को जो जो भी हैं या अल्लाह बच्चों को अपने बेटों की तरह, बेटियों को अपनी बेटियों की तरह समझने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें ससुराल वालों को अपने दामादों को बेटों की तरह, अपने बहुओं को बेटियों की तरह समझने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी बच्चों और बच्चियों को भी या अल्लाह अपने ससुराल वालों को अपने माँ बाप की तरह समझने की तौफीक अता फरमा, माँ बाप की तरह उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क में, देश में अमन को आम फैला। या अल्लाह हमारे घरों में सुकून पैदा फरमा। हमारे घरों बेसुकूनी के डेरे बन चुके हैं। या अल्लाह हमारे घरों में बेसुकूनियाँ ही बेसुकूनियाँ हैं, हमारे घरों में सुकून पैदा फरमा। या अल्लाह जो सुकून तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा के घर में रखा था, हम आपसे उसको सुकून का हिस्सा मांगते हैं, हमारे घरों में भी वो सुकून पैदा फरमा। या अल्लाह जो सुकून तूने हज़रत फ़ातिमा हज़रत अली के घर में रखा था, हम आपसे उस घर का सुकून मांगते हैं। या अल्लाह हमें भी सुकून आता फरमा, हमारे घरों में भी सुकून पैदा फरमा। या अल्लाह जो औलाद के हवाले से परेशान है, या अल्लाह बे औलादों को या अल्लाह नेक साले तंदुरुस्त औलाद अता फरमा। या अल्लाह बे औलादों को नेक साले तंदुरुस्त औलाद अता फरमा। या अल्लाह जो साहिब औलाद हैं, या अल्लाह सब के बच्चों को माँ बाप का फरमा बरदार बना। या अल्लाह सब के बच्चों को माँ बाप का फरमा बरदार बना। या अल्लाह हमारे बच्चे हमारे हाथों से निकल चुके हैं। या अल्लाह हमारे बच्चे हमसे बगावत करने लगे हैं। या अल्लाह हम बड़े कमज़ोर हैं। एक आसमान पे तेरा आसरा सहारा होता है, ज़मीन पर अपने बच्चों का सहारा होता है। या अल्लाह किसी की औलाद को माँ बाप का नाफरमान ना बना। या अल्लाह किसी की औलाद को माँ बाप का नाफरमान ना बना। या अल्लाह सब बच्चों का माँ बाप की आंखों की ठंडक बना। या अल्लाह सब बच्चों को माँ बाप का फरमाबरदार बना। या अल्लाह सब बच्चों को माँ बाप का फरमाबरदार बना। या अल्लाह चैन सुकून राहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह जितने बीमार हैं, या अल्लाह सबको शिफाए कामिल आजिला मुस्तमिर आता फरमा। या अल्लाह जितने बीमार हैं, डॉक्टरों ने हमारे बहुत सारे लोगों को लाइलाज करार दे दिया। या अल्लाह हम कमज़ोर हैं, हमारे पास दवा नहीं है। या अल्लाह हम तो बेबस हैं, आजिज़ हैं, तेरे पास हर मसले का हल है, हर चीज़ का इलाज है। या अल्लाह तो हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, उन्हें सेहत याबी अता फरमा। या अल्लाह जो करोना की वजह से दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह सबकी कब्रों को जन्नत का बाग बना। या अल्लाह जो इसकी जद में आकर बीमार हैं, या अल्लाह उन्हें अपने फजल व करम से शिफाए कामिल आजिला मुस्तमिर अता फरमा। या अल्लाह सेहत आफियत ईमान व अमल की सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह दुखों परेशानियों आफतों हालात बलियात आजमाइशों बेबसी बेकसी मोहताजगी सठिया जाने वाली ज़िंदगी से हिफाजत फरमा। या अल्लाह बेबसी बेकसी मोहताजगी सठिया जाने वाली ज़िंदगी से हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे दुखों को सुखों में तब्दील फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में तब्दील फरमा। या अल्लाह हमारे गमों को खुशियों में तब्दील फरमा। या अल्लाह हमारे गमों को खुशियों में तब्दील फरमा। या अल्लाह आपने हमें करोना से वबाओं से हिफाजत बख्शी। या अल्लाह हम आपसे सवाल करते हैं, या अल्लाह हम बड़े कमज़ोर हैं। या अल्लाह किसी किस्म की आजमाइश के लायक नहीं है। या अल्लाह किसी किस्म की बीमारी के मुतहम्मिल नहीं है। या अल्लाह दाएं से बाएं से आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से या अल्लाह हर तरफ से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमने दिन में भी गुनाह किए, रात में भी गुनाह किए, तुझे हर वक्त नाराज़ किया। या अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चों को फरमाबरदार। या अल्लाह हमने माँ बाप का हक अदा नहीं किया। या अल्लाह हम जवानों को अपने माँ बाप का, जिनके माँ बाप जिंदा हैं, या अल्लाह सबके माँ बाप को सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह सबके माँ बाप को सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह मेरी वालिदा भी बीमार हैं। या अल्लाह और बहुत सारे लोगों की वालिदैन बीमार हैं। या अल्लाह हर एक के वालिदैन को सलामती अता फरमा। या अल्लाह शिफा अता फरमा। या अल्लाह हम अपने माँ बाप की खिदमत का हक अदा नहीं कर सके। आपने हमारे ज़िम्मे उनकी खिदमत लगाई थी, हम अपने अपने कामों में लग कर हम अपने माँ बाप की खिदमत का हक अदा नहीं कर सकते, हम उन्हें वक्त नहीं दे पाते। या अल्लाह हमारे इस गुनाह को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे इस गुनाह को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे इस गुनाह को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमने तेरे अलावा औरों की मोहब्बत को दिल में बसाया है। या अल्लाह हमारे इस गुनाह को भी माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे वालिदैन को सलामती अता फरमा, हर एक के वालिदैन को
سلامتی عطا فرما, جس کے والدین دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا, یا اللہ میرے والد بھی دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کے لیے قبر کو کھول دے, کشادہ کر دے, کروٹ کروٹ انہیں جنت کے مزے نصیب فرما, کروٹ کروٹ جنت کی نعمتیں نصیب فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ سب کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر تادیل, صحت عافیت کے ساتھ سلامت فرما. یا اللہ ہمارے والدین کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر صحت عافیت کے ساتھ باقی فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, ہماری جتنی مجبوریاں ہیں جتنی پریشانیاں سب کو آسان فرما, ہمارے دکھوں کو سکھ میں تبدیل فرما. یا اللہ ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما. یا اللہ ہمارے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما. یا اللہ ہم کمزور ہیں, بے بس ہیں, ہمیں کسی قسم کی آزمائش کا شکار نہ بنا. یا اللہ ہمیں کسی قسم کی آزمائش کا شکار نہ بنا. یا اللہ ہم کمزور ہیں, بے بس ہیں, کسی بیماری کے متحمل نہیں ہیں. یا اللہ تو ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما, چین سکون والی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا. یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا. یا اللہ ہم ڈرے ہوئے ہیں, یا اللہ خوف کے اندر مبتلا ہے, یا اللہ خوف کے اندر مبتلا ہے. یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں, یا اللہ بڑے کمزور ہیں. یا اللہ تو ہم سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما. یا اللہ ہم خوف میں مبتلا ہے, ہم تو بیمار ہو جائیں اپنا علاج نہیں کروا سکتے, پریشان ہو جائیں اللہ پریشانی کو دور نہیں کر سکتے. یا اللہ بے عزت ہو جائیں عزت واپس نہیں لے کے آ سکتے. یا اللہ تو ہم سب کے حال پر رحم فرما, ہم سب کے اللہ پردہ پوش. یا اللہ ہم سب کے گناہوں پہ پردہ ڈال کے رکھ, ہم سب کو یا اللہ ایک بہترین کردار عطا فرما. یا اللہ بہترین اخلاق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہر چھوٹی بڑی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما, ہر قسم کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں, یا اللہ بڑی کوشش ہے کتنے میرے جان پہچان والے ہیں جو بے اولاد ہیں. یا اللہ ہمارے خورم بھائی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, ہر وقت خیر کے کام میں لگے رہتے ہیں. یا اللہ آپ سے دعا کرتے ہیں, یا اللہ ان کو صحت مند تندرست اولاد عطا فرما. اور کتنے ہمارے جان پہچان والے ہیں, یا اللہ جتنے حاضرین مجلس میں ہمارے گھروں میں جو بھی اولاد ہیں, یا اللہ اولاد کی نعمت تیری بہت بڑی نعمت ہے, تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صاحب اولاد بنا, سب بھی اولادوں کو جب بھی اولاد دے نیک صالح تندرست اولاد عطا فرما, نیک صالح تندرست اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کے بچوں کو ان کا فرما بردار بنا. یا اللہ ہمیں بڑا خوف اور خطرہ ہے, جیسے سے حالات پیدا ہو چکے ہیں بچے بے رہ روی کا شکار ہیں, ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں. اے اللہ ہمارے بچوں کو ایسا نہ بنا, اے اللہ ہمارے بچوں کو ایسا نہ بنا. اے اللہ ہم یہ دکھ اور صدمہ نہیں برداشت کر سکتے, تو ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا, ہمارے بچوں کو دجال اور دجال کے فتنوں سے محفوظ فرما, ہماری نسلوں کو دجال اور دجال کے فتنوں سے محفوظ فرما, شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما, حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم ہماری نسلوں کو حضرت امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے لشکریوں میں سے لشکری بنا. یا اللہ جتنی حاضرین مجلس کی حاجتیں اور ضرورتیں ہیں, کتنی حاجتیں ضرورتیں ایسی ہیں یا اللہ تیرے سوا کسی سے ذکر نہیں کی جا سکتی, تیرے سوا کسی کو بتایا نہیں جا سکتا. یا اللہ ہماری وہ تمام حاجتیں ضرورتوں کو پورا فرما. اس رمضان میں ہم نے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں اور جس مسلمان نے جو بھی خیر کی دعا مانگی ہیں, یا اللہ تمام خیر کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما. یا اللہ جتنی خیریں تیرے حبیب نے مانگی ہیں آج آپ سے ان تمام خیروں کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ ہم سب کو وہ تمام خیریں عطا فرما جتنے شرور سے تیرے حبیب نے پناہ مانگی ہیں. یا اللہ ہم آپ سے تمام شرور سے پناہ مانگتے ہیں, ہم سب کو تمام شرور سے پناہ عطا فرما. یا اللہ محتاجگی بے بسی بے کسی سٹیا جانے والی, یا اللہ ایسی زندگی سے حفاظت فرما جب تک تو نے سانس دی ہے. یا اللہ چین سکون والی سانسیں عطا فرما. یا اللہ یہ لوگ انسان بڑا ظالم ہوتا ہے, یا اللہ دکھ میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا. یا اللہ ہمیں اتنا
इतना कमज़ोर बेबस ना बना कि अपने साथ छोड़ जाए। या अल्लाह इतना कमज़ोर बेबस ना बनाना कि अपने बुरा भला कहने लगे। या अल्लाह इतना कमज़ोर बेबस ना बनाना कि किसी के मोहताज बन जाए। या अल्लाह अपनी मोहताजी में रखना, किसी का मोहताज ना बनाना। या अल्लाह अपनी दर का फ़कीर बनाना, किसी का फ़कीर ना बनाना। अपने दर पर झुकाना, किसी के यहाँ ना लेके जाना। या अल्लाह ये जो इतना मजमा आया है, या अल्लाह इनकी जो भी नेक तमन्ना है, जायज़ हाजतें ज़रूरतें हैं, या अल्लाह तुझसे मांगते हैं, तेरे सिवा किसी और से नहीं मांगते। या अल्लाह तेरे कुरान की मोहब्बत में आए हैं। जब इनको पता चला कि आज कुरान की तकमील है और तू तकमील कुरान पर दुआओं को सुनता है, या अल्लाह ये सब दौड़े दौड़े आ गए। इनमें से बास तो वो हैं जो 40 दिनों से आ रहे हैं। या अल्लाह उन्हें भी कबूल फरमा, उनकी नस्लों को भी कबूल फरमा। अल्लाह उन्हें चैन सकून आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमा। जो आज आए हैं, या अल्लाह आए तो तेरी मोहब्बत में हैं, तुझे अपने दुखड़े सुनाने आए हैं, तुझे से लेने के लिए आए हैं। या अल्लाह हम में से किसी को भी महरूम ना फरमा। या अल्लाह किसी को भी महरूम ना फरमा। जो हमारी नेक तमन्नाएँ, जायज़ हाजतें, ज़रूरतें हैं, वो जिस हवाले से भी हैं, औलाद के हवालों से हैं, रिश्तों के हवालों से हैं, सुकून के हवालों से हैं, वो खावन बीवी के झगड़ों के हवालों से हैं, वो औलाद की फरमाबरदारी के हवालों से हैं, वो रिस्क के हवालों से हैं, वो या अल्लाह जिस हवाले से भी जो जायज़ हाजतें ज़रूरतें हैं, तो सबको जानने वाला है। हमारी तमाम जायज़ हाजतों ज़रूरतों को पूरा फरमा। अल्लाह हमारी तमाम जायज़ हाजतों ज़रूरतों को पूरा फरमा। अल्लाह हमारी तमाम हाजतों ज़रूरतों को पूरा फरमा। रमज़ान में जो जो मांगा है, या अल्लाह जो हम तेरी इबादत ना कर सके, तेरा हक अदा ना कर सके, या अल्लाह हमारे इस गुनाह को माफ़ फरमा। या अल्लाह गुनाह को माफ़ फरमा। जो जो मांगा है, या अल्लाह उस सब को हम सब को आता फरमा। या अल्लाह दुनिया में भी आता फरमा, आखरत में भी आता फरमा, दुनिया में भी आता फरमा, आखरत में भी आता फरमा। या अल्लाह जो हमारे अजीज़ व क़ारीब दुनिया से चले गए, या अल्लाह बतौर ख़ास हमारी एक तालिबा हमारी बहन की तरह है, और वो हमारी भांजी की तरह, एक बच्ची आयशा का ऑपरेशन हुआ है। या अल्लाह बड़ी वो मेहनत के साथ आया करती थी। या अल्लाह वो सबको जोड़ के रखने वाली थी, अपने बच्चे के इलाज की वजह से नहीं आ पाई। या अल्लाह जो जो उनकी हाजतें, नेक तमन्नाएँ, ज़रूरतें थी, या अल्लाह सबको अपने ख़जाना से पूरी फरमा। हम सब उनके लिए दुआगो हैं, उन्हें अपनी तमाम नेमतें अता फरमा। उस बच्ची को सेहत अता फरमा, शिफा अता फरमा। वो हस्पताल में है, खैर आफियत के साथ घर वापस पहुँचा। जितने लोगों के भी प्यारे हस्पतालों में हैं, या अल्लाह सबको खैर आफियत के साथ घर वापस पहुँचा। चैन सुकून इत्मीनान अमल की सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह हमारे जितने भी दुनिया से फौत हो चुके हैं, ये एक आज़िर साहिब हैं, इनका भी इंतकाल हो चुका है। ये आज़िर भाई किसी के हैं, उनका भी इंतकाल हो चुका है। और बहुत सारे लोग दुनिया से फौत हो चुके हैं। या अल्लाह सबकी कब्रों को जन्नत का बाग बना। बतकाज़ा बशरियत जो गलतियाँ कोताहियाँ उनसे हुई हैं, उनसे माफ़ फरमा, दरगुजर का काम ले ले। या अल्लाह हम जो ज़िंदा लोग हैं, हर आन हर घड़ी हम सबको मौत की तैयारी की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह ये हमारा मदरसा नया मदरसा है, या अल्लाह इसे दुन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा, इसे खैर का मरकज़ बना। या अल्लाह हमें इतनी तौफीक दें, यहाँ से हम तेरे बंदों की, तेरे कुंबे की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। या अल्लाह यहाँ के अमले को हर वक्त अपने बंदों के काम आने वाला बना। हमसे दीन की खिदमत ले। या अल्लाह दीन से महरूम न फरमा, किसी फितने आजमाइश का शिकार न बना। या अल्लाह 24 घंटे दीन की खिदमत में लगाने की तौफीक अता फरमा। हम सबसे दीन की खिदमत ले। या अल्लाह हमारे इस मदरसे को आबाद और शाद फरमा, इसकी तमाम ज़रूरतों को अपने ख़जाने गैब से पूरा फरमा। या अल्लाह इसकी ज़रूरतों को अपने ख़जाने गैब से पूरा फरमा। इसके साथ तआवुन करने वालों के साथ तू तआवुन फरमा। इसके साथ जिस तरह के भी लोग तआवुन करते हैं, या अल्लाह तूने खुशहालियाँ अता फरमा। उनके माल में बरकत अता फरमा, उनकी जान में बरकत अता फरमा, उनकी औलाद में बरकत अता फरमा, उनके इल्म व अमल में बरकत अता फरमा। जो तआवुन नहीं करते, उनके जानो माल में भी बरकत अता फरमा। सबको खुशहालियाँ अता फरमा। या अल्लाह हमारे इस मदरसे को मरकज़ बना, सारी दुनिया के अंदर यहाँ से फैज़ को आम और ताम फरमा, यहाँ आने वालों को कबूल फरमा। जो जो भी यहाँ आया है, या अल्लाह वो इलाज के लिए आए, उनको शिफा अता फरमा। दीन सीखने के लिए आए, उसे हिदायत अता फरमा। अपने मसाइल के लिए आए, या अल्लाह उसके मसलों को हल फरमा। जो जो भी यहाँ जो जो ज़रूरत लेकर आए, या अल्लाह उन
तमाम के तमाम हाजतों, मसलों, मुसीबतों, परेशानियों, बीमारियों को दूर फरमा। इन सब को दीन के लिए, इनकी नस्लों को दीन के लिए कबूल फरमा। इनकी नस्लों में जुनैद बगदादी, हसन बसरी, इमाम बुखारी, हज़रत हसन हुसैन जैसे लोगों को पैदा फरमा। हमारी नस्लों में कौम के हीरो पैदा फरमा, हमारी नस्लों में कौम के हीरो पैदा फरमा, कौम इस्लाम की खिदमत गुजार पैदा फरमा, दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे इस मदरसे की हिफाजत फरमा, इसे हासिदीन की हसद से बचा, शरीरों की शरारतों से बचा, फितीन के फितनों से बचा। या अल्लाह हम कमज़ोर हैं, हम किसी तरह से भी इसकी हिफाजत नहीं कर सकते। या अल्लाह तू ही ताकतवर है, तू ही इसको अपनी हिफ्ज़ो अमान अता फरमा, तू ही इसको अपनी हिफ्ज़ो अमान अता फरमा, तू ही इसको अपनी हिफ्ज़ो अमान अता फरमा। या अल्लाह मरते वक़्त हम सब की ज़ुबानों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जारी फरमा। या अल्लाह जितनी भी दुआएं हम नहीं मांग सके, जो तुझे कहना चाहते थे दिलों के अंदर हैं, तू तो जानता है, उन्हें भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन। अल्लाह ताला आप सबका आना बहुत मुबारक फरमाए, आप लोगों को हमेशा खुश रखे, साद आबाद रखे। अल्लाह अपने हिफ्ज़ो अमान अता फरमाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर मुफ्ती सुफियान।